हम लोग पहले स्पाइन सीधी योग मुद्रा में और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानी है करता जाए वह शक्ति परताप मार्ग पर डट जाए हम दीन दुखी निपलो विकलो कैसे भोले वो है उनको वह शक्ति हमें दो दयानी दे करता मार्ग पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधार पाए वह शक्ति हमें दो दयानी दे करताप मार्ग पर डट जाए निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रखे अभिमान रहे जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जय शक्ति हमें दो दयानी दे करताप मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल सोमवार क्लासेस में आप सभी उपस्थित का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर थर्ड की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। अभी किसने और ज्वाइन किया है? हमारे बीच में किशोरी कुमारी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3rd की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबंध है। हम लोग वहां के 3 मनीषियों की ऋणी हैं। वे 3 मनीषी हैं, ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय जेपी रिवाल सर, वो वर्तमान अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस एस सराफ सर।
इन मनुष्यों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किया है, उसी शिक्षा और चिकित्सा को हम लोग आपके माध्यम से जन जन अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम खर्चीली विधा को लाभ सबको मिल सके, तो हम लोग इसी विधा को आपके माध्यम से शुभकामनाओं सहित फैलाना चाह रहे हैं और आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वीपी सक्सेना साहब उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि वो आज सीड थेरेपी की क्लास लेंगे, वो तो मैं शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार सबको। सीड थेरेपी मतलब, नमस्कार बेटा, मैंने चाहिए एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से जोड़ के बना, एक्यू प्लस प्रेशर, एक्यू के मतलब निकाल दे, नुकीली चीज से प्रेशर देगा, जैसे ये प्रोब है, दिख रही नहीं दिखेगी, क्या बात, अच्छा ये आएगी ऊपर, मतलब इस प्रेशर देना। और दूसरा चीज ये है कि किसी भी निश्चित बिंदुओं पर दबाव देकर उपचार किया जा सकता है। मानव शरीर की हथेली को जो है वो शरीर से इसकी तुल्यार्थता की गई है। और यह कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट नंबर एक प्रेशर के द्वारा हो सकता है, नंबर दो सीट के द्वारा हो सकता है, नंबर तीन हो गया कलर थेरेपी से हो सकता है, और नंबर चार हो गया आपके मतलब ये क्या नाम है, चुंबक द्वारा हो सकता है। तो जो सीट थेरेपी है वो चुंबक से कम नहीं है, ये ध्यान रखिए। मतलब मेथी की पट्टी लगाते तो बहुत ही मतलब कारगर है, जितना चुम्बक का असर करेगा उससे ज्यादा मेथी करेगा। अब चुम्बक वाले में तो आपको दिक्कत भी आएगी कि हमें सिगरेट करना है कि टोन करना है, मेथी में ना टोन करना ना सिगरेट करना है, इसलिए सीड थेरेपी हम समझते हैं मोर बेटर देन मैग्नेट थेरेपी। अब आपको ये तो आइडिया हो गई कि जो लगाना है ये बात पित्त कफ, देख रहे ही नहीं, देख रहे कोई लोग है ही नहीं इसमें, देख रहे हैं सर। अच्छा बात पित्त कफ का मतलब आपकी उंगलियों में बात पित्त कफ है, इन्हीं ये यही हम यही बताएंगे, मतलब इन्हीं पॉइंट पे आपकी मेथी पट्टी लगेगी। अब इसको हम वैसे शेयर कर देंगे बाद में। अब जैसे किसी के सर में दर्द है अगर, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट थंब के पट्टियां निकाली लेगा, सक्सेना जी। हाँ, ये जो सारे हमारे स्टूडेंट इसमें हैं उनमें सब सेकेंड सेमेस्टर से नीचे नहीं कोई, हमारे सारा भी उपस्थित हैं, सारा सेमेस्टर सेकेंड के हैं और सब सारे स्टूडेंट हमारे थर्ड के हैं। आप बहुत चिंता मत करिए, आप केवल पॉइंट बढ़िया से बताइए ताकि इन पर खूब करें। जानते हम आपको नहीं, आपको मतलब हम ये करेंगे, ये पॉइंट्स भेज देंगे, वैसे हमारी एक मैगजीन है हमने छपा है और सर को भेज देंगे, तो ये केवल आप प्रिंट करा के जैसे ये है अपने पास रख लेंगे, कोई भी आए आप केवल पॉइंट देखेंगे और लगा लेंगे फट से। मतलब अब जैसे सर में दर्द अगर किसी के है तो लेफ्ट थंब के बात जॉइंट पे हमको मेथी पट्टी लगाना है, ये हो गया आपके। अब ये हाँ नहीं, इसी को थोड़ा सा देखिए, ये समझते चलिए कि क्यों बात जॉइंट पे लगाया गया, ये समझ लीजिए दो, मतलब थोड़ा सा समझते जाइए, ये बात पित्त वाला जो है ना हम लोग का है सर माने। अच्छा पहले एक चीज सर, ये पूछ लें लोगों से, बात पित्त कफ आपके शरीर में कहाँ पे है ये बताइए जरा सा, उंगली में तो मालूम पड़ गया, बात पित्त कफ शरीर में कहाँ पे होगा, अरे मतलब ऊपर क्या है, डायफ्राम से ऊपर क्या है, डायफ्राम से नाभि के बीच में क्या है सर, वात, वात कहाँ पे है शरीर में, डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम से लंग्स,
लंग्स वाले एरिया में सर, नहीं देखिए आपकी उंगली में मालूम है आपको कहाँ पे बात बात पे कफ मालूम है? अच्छा उंगली में बता रहा हूँ, उंगली में फिंगर में मालूम है बात पे कफ? जॉइंट पता, जॉइंट पता है हाँ, वही जॉइंट को, जॉइंट मतलब बात पे कफ, ऊपर वाला जॉइंट बात है, बीच वाला फिट है, विद कफ है। आप इसको उंगली को ऐसा कर दीजिए, उलट दीजिए, आपका शरीर ऐसे ही तो है, मतलब पैर नीचे है। हाँ, तो अब ये जो पहला ज्वाइंट क्या था, बात था कि नहीं था? यस यस यस, ऊपर कफ आएगा, ठीक ये नीचे इसमें ये ऊपर कफ आएगा, ये ध्यान रखिए ऐसे है आपका, ये बिल्कुल लेफ्ट कर ऐसे हाथ कर दीजिए तो आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए मतलब कैसे लगाना, सर दर्द का बता दिया हमने, जैसे ये हमने लगाया है आपका लेफ्ट थंब में बात ज्वाइंट पे, फिर है मतलब चेस्ट में अगर किसी के पेन है ये तो ये करेस्पोंडेंस थ्योरी के पर आधारित है, देखिए। ठीक है, चलिए आगे। फिर ये चेस्ट में अगर पेन है तो बहुत स्मॉल फिंगर ये ज्वाइंट, अब ये मेथी पट्टी निकाल ली, ये स्मॉल फिंगर के ये के ज्वाइंट पे लगा दिया हमने। पेट में अगर किसी के दर्द है तो क्या करेंगे, बोथ स्मॉल फिंगर बाथ ज्वाइंट पे, ये हो जाएगा हमारा बोथ स्मॉल फिंगर बाथ ज्वाइंट। पेट में दर्द है तो आपको यहाँ पे लगाना है पट्टी। गैस अगर किसी को बन रही है या लिखना चाहे लिख लें, वैसे तो किताब में मिल जाएगा, राइट रिंग फिंगर बाथ ज्वाइंट, गैस के लिए राइट की रिंग फिंगर ये हो गई, तो इसका बाथ ज्वाइंट यहाँ पे पट्टी, मेथी पट्टी लगाएंगे हम। यूरिन प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो किडनी पब्लिक यूबी करस्पॉन्डेंट, इसमें सीड लगा देंगे, और सीड लगाएंगे वैसे तो खैर मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं, वरना तो सीड में आप जगह ही नहीं होगी। खैर गर्दन में अगर किसी के सर्वाइकल हो गया मान लिया, तो क्या करेंगे, गर्दन में दर्द है तो सर्वाइकल के करस्पॉन्डेंस सीड लगाया जाएगा। पैरों में दर्द किसी को हो रहा है तो क्या होगा, लेफ्ट मिडिल फिंगर पी ज्वाइंट, ये मिडिल फिंगर हमारी हो गई, इसका ये बीच वाला ज्वाइंट जो है इस पे लगाएंगे, पित्त ज्वाइंट पे, अगर गर्दन पैरों में दर्द हो रहा। बाहों में दर्द अगर है किसी के तो ये हमारी दोनों बाहें हैं तो इसमें क्या कर देंगे, राइट बाहों में दर्द भी राइट मिडिल फिंगर पी ज्वाइंट पे लगा देंगे इसमें भी। और रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द है तो लेफ्ट रिंग फिंगर बाथ ज्वाइंट, लेफ्ट रिंग फिंगर ये हो गई, इसका बाथ ज्वाइंट पे लगाया जाएगा। धड़कन है, सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम है, सर अलग अलग ज्वाइंट पे लगाने का कोई रीजन तो होगा ना, है अलग अलग शरीर के बॉडी पार्ट के अलग अलग जगह पर दर्द होते हैं, तीनों ज्वाइंट अलग लगाने से सीट उसका रीजन, किसी में बात ज्वाइंट किसी में पिट ज्वाइंट लेती है, हाँ इन्हीं तीनों ज्वाइंट पे ही आएगा, ये ध्यान रखिए। मतलब जैसे अभी बता, अगर किसी की बैक बोन में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट रिंग फिंगर बात ज्वाइंट पे आप मेथी पट्टी लगा दीजिए बस। तो रीढ़ की हड्डी वाला स्पाइन को बता रहे थे सक्सेना जी, तो वो जिसने देखे ये छठवां नंबर काल की उंगली है ना, हाँ काल की, और इसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल, तो स्पाइन हम लोगों ने रखा हुआ है इसमें, स्पाइन रखे, स्पाइन नीचे मेडुला, ऊपर स्पाइन रखी है, अब इसी के तीन पार्ट और हो जाते हैं इसमें, जब स्पाइन की हम लोग बात करते हैं तो स्पाइन के तीन पार्ट हो जाते हैं, अब तीन पार्ट हमको इसी में करना था, उंगली नंबर छह में स्थापित करना था, तो कैसे हम लोगों ने किया, हम लोगों ने वात वाला, वात माने ऊपर ऊपर ऊपर, तो वात वाली पर हम लोगों ने क्या कहा, जो सर्वाइकल है वो वात पे कर दिया, वात पे कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या कहा, लंबर वो थोरेसिक, तो थोरेसिक हम लोगों ने बीच में कर दिया, बीच में कर दिया उसमें, और उसके बाद लंबर और जो क्योंकि तीन मेन तीन है, लंबर तीन है, लंबर सैक्रल बहुत कम बोल, सैक्रल और कोसिक तो बिल्कुल वो है, तो इसलिए लंबर को नीचे हम लोगों ने कर दिया, तो लंबर हो गया यानी कमर से नीचे वाला दर्द लंबर, और बीच वाला थोरेसिक जिसमें चेस्ट वगैरह आ जाएगा, और ऊपर वाला सर्वाइकल, तीन कर दिया। इसी का प्रयोग और भी हम लोगों ने कर दिया, सर्दी गर्मी बरसात, बरसात
तो गर्मी में क्या होता है सबसे अधिक वात, क्यों? बात झंझा वात खूब चलेगा, खूब तेज हवा चलेगी, तो ऊपर रख दिया गर्मी में। गर्मी वात, वात होती वात माने फैलाव, फैलाव माने गर्मी, तो गर्मी में रख दिया, गर्मी के लिए ऊपर कर दिया। फिर बारिश, बारिश में क्या होता है जल होता है और गर्मी होती है, तो यहाँ अस्तित्व में क्या है अग्नि और जल, तो इसलिए हम लोग बीच में रख दिया। और नीचे वाला क्या होता है जाड़ा, जाड़ा माने क्या हुआ कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन माने कफ, कफ कॉन्ट्रेक्शन में चार पांच, चार पांच हुआ ना, चार पांच माने कॉन्ट्रेक्शन, तो कॉन्ट्रेक्शन के लिए हम लोग रख दिया। इस तरह हम लोग छह, इस वाली उंगली का प्रयोग हम लोगों ने कई बहुत में किया हुआ, बस छह नंबर। फिर छह नंबर से सारे चले गए ब्रेन के। चलिए सर, जैसे फिर ये है कि धड़कन किसी को हो रही है या सांस लेने में अगर प्रॉब्लम है तो बहुत स्मॉल फिंगर के ज्वाइंट आ गया, कफ ज्वाइंट मतलब, अगर किसी मिचली थोड़ा बताते चलिए उसमें, जैसे बहुत स्मॉल फिंगर क्यों लिया गया, आप जैसे आप लोग सुधा जी या बबली बताएंगे आप, बहुत स्मॉल फिंगर क्यों लिया गया कफ ज्वाइंट, धड़कन माने क्या हुआ, धड़कन का अर्थ क्या है, वायु सर, धड़कन का अर्थ क्या, धड़कन, अरे हार्ट में पल नहीं, अरे धड़कन का अर्थ मतलब हार्ट ना, प्रॉब्लम कहाँ की होगी, हार्ट की होगी। तो एक सिद्धांत कहीं नोट किया होगा आपने कि अगर हार्ट का ट्रीटमेंट करना है तो लंग्स से करना है, और लंग्स करेंगे तो हार्ट करेंगे, ये दोनों का करना है ना, ये कहीं नोट किया था शुरू में कि नहीं, ये नोट करते जाइए आप लोग, अगर कभी हार्ट का करना है तो लंग्स का जरूर करना है, और लंग्स करना है क्यों, और क्यों इसका तरीका क्यों, क्यों करना है ये भी समझ लीजिए, क्यों करना है आप बताइए, आप लोग कोई बताए क्यों करना है, ये दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है आप ये ध्यान रखिए, एक और कारण है यहाँ तो होता ही है लेकिन दोनों के सेंटर कहाँ, मेडुला में है, आप लोग आगे पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, इसी सेमेस्टर पढ़ेंगे ब्रेन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि मेडुला में सेंटर है कौन से, हार्ट के और लंग्स के दोनों के, इसलिए क्योंकि सेंटर एक है, पोल एक, एक पोल से बिजली आ रही है, तो जिस पोल में बिजली आ रही हो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कहीं पोल में गड़बड़ी तो नहीं है, यानी पोल को भी सुधारना पड़ेगा ना, इसलिए हार्ट और लंग्स का दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ किया जाता है, इसलिए दो बोथ स्मॉल फिंगर में क्या है, एक में राइट लंग्स है, एसआई हर्ट लंग्स नीचे, एक में लंग्स है, हर्ट है, एक में लंग्स है सर, इसमें इसमें राइट वाले में वन नंबर, वन नंबर आकाश, लंग्स है सर, लंग्स है, लंग्स का, और दो नंबर वायु, तो इसमें हार्ट, तो इसलिए बोथ स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पर आप लोग मेथी पट्टी बांधेंगे तो वो आपका। चलिए आगे से हम थोड़ा बताते चल रहे हैं ताकि आप लोग अब सीखिए, अब तो थर्ड सेमेस्टर है ना, अब तो जानना जरूरी है ना कि आप क्यों लगा, तो अपने आप बताना हो किसी को तो आप तुरंत समझिए कि अरे क्यों यहाँ लगा दीजिए, मेथी पटिया इस तरह से बना के रख रख लो, मतलब ये दिख रही है ये, अरे एक प्लास्टिक की शीट में मेथी पट्टी बना के रख ली, जरूरत पड़े निकाल, ये प्लास्टिक शीट ही है, हाँ वही करीब वही प्लास्टिक 30-40 आदमी है, वो तो मिलती है परचेज, ये तो परचेज की हम लोग वही खरीदी थी हम लोगों ने, लेकिन आप लोग बना सकते हैं प्लास्टिक वाली इसमें, और जब खत्म हो जाते बना के इसमें चिपका लो, ये है। अच्छा फिर ये हो गया, किसी को अगर मिचली या उल्टी हो रही है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बाथ ज्वाइंट और के ज्वाइंट पे, हाँ अब पूछते जाइए पूछते चलिए, देखिए अब ये इंटरेक्शन सेक्शन इसको मानिए, इंडेक्स लेफ्ट फिंगर, नीतू मैम थोड़ा सा बताइए, प्रकाश डालिए थोड़ा सा, तीन नंबर उंगली हुई ये पहले बताइए कौन सी नंबर उंगली हुई, फिंगर नंबर, ये उंगली में क्या है, तीन नंबर में क्या है बताइए, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में क्या है सर, लीवर गॉल ब्लैडर है कि नहीं है, हाँ लीवर लीवर है ना, लीवर नीचे ऊपर नीचे लीवर, अगर आपको क्या है मिदली आ रही है कुछ लग रहा है, तो ये किसका फंक्शन है,
लीवर का, क्यों लीवर का है? लीवर का है, लीवर का बिल्कुल। ये गवर्न और उससे हो रहा है। देखिए लीवर चाइनीज में, लीवर जो है किसका कंट्रोलर है चक्र के साथ, बताइए लीवर किसको कंट्रोल करता है? अर्थ को। यस, अर्थ माने स्प्लीन, अर्थ को कंट्रोल करता है ना, बाबा है ना। उसके बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, तो लीवर कंट्रोल करता है किसको? स्प्लीन को। यानी स्प्लीन की जो समस्याएं, स्टमक और स्प्लीन की जो समस्याएं हैं वो लीवर से भी गवर्न होती है। तो वोमिटिंग टेंडेंसी बेसिकली तो स्टमक की है, पहले समझिए। आप लोग सेकंड सेमेस्टर कर चुके हैं, स्प्लीन से ऊर्जा कहाँ जाती है? ऊपर। कहाँ जाती है? लंग्स में जाएगी, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में। तो जब स्प्लीन से ऊर्जा बनी, फूड की बनी, फूड की ऊपर चली गई, अगर मान लीजिए, और ये तो स्प्लीन ऊपर गई, स्टमक की नीचे जाती है, स्टमक की ऊर्जा नीचे जाती है और स्प्लीन के ऊपर जाती है। मान लीजिए स्टमक की ऊर्जा ऊपर चलने लगे तो क्या होगा? उल्टी से। हाँ, वही वही उल्टी वाला कहीं, लेकिन कंट्रोलर कौन है? इसलिए हम लोग लीवर में, गार्ड बर्डन में अधिक देते हैं ताकि ये कंट्रोल हो जाए। इसलिए स्टमक में भी दीजिए, अगर आपका मन है तो स्टमक में भी दीजिए। इसमें ऊपर स्टमक किसमें आएगा? राइट रिंग फिंगर, अपर जॉइंट, अपर जॉइंट, इसमें भी दीजिए। और इन दोनों में लीवर और गार्ड बर्डन दीजिए ताकि मितली, उल्टी, वोमिटिंग, ये सब दूर हो जाए। देखिए अब आपको समझना है, अब आपको एक सिंगल पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, इसीलिए सक्सेना जी ने ये इंट्रोडक्शन सेक्शन के रूप रखी कि इसको बताइए, आप लोग समझिए कि हम जो बता रहे हैं कि यहाँ लगा दीजिए, क्यों लगा दीजिए? आपको दूसरों को बताना कि क्यों लगा दीजिए यहाँ पर। आप वोमिटिंग आ रही है तो कहिए, कोई पहला तर्क आपने तुरंत लिया कि स्टमक, तो स्टमक में लगा दीजिए। फिर आपने कहा कि स्प्लीन कंट्रोलर है, वो स्प्लीन कंट्रोलर लीवर है, तो लीवर गार्ड बर्डन, इस ऐसे समझिए। आइए नोट करते जाइए, बहुत बढ़िया। सज्जना साहब आगे बोल दिए, हम थोड़ा बताते चलते ताकि। नहीं सही है भैया, उद्देश्य समझाना, आप लोग नोट कर लीजिए, वरना अभी हम इस पर डाल देंगे आपके। वो तो अलग चीज ऐसा है, वो तो किताब में लिखा बहुत है, लेकिन समझना है, आप समझना जरूरी है, नहीं करना कि आप गुरुत्व नहीं है इसमें, क्योंकि चलिए फिर यह कि गैस अगर किसी को हो रही है या अपच, मतलब खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, तो क्या बोथ स्मॉल फिंगर बाथ जॉइंट और राइट रिंग फिंगर बाथ जॉइंट दोनों पर लगाना है? अब बोथ स्मॉल फिंगर, अब वही अब इसे पूछे, एक्सप्लेनेशन पूछे, बाथ जॉइंट पे क्या है स्मॉल फिंगर? बबली जी बोलिए, एक एक बोलते जाए, बस क्यों बताना है। देखिए एलआई है कि नहीं है, एलआई और एसआई, ये तो बताना पड़ेगा आयुर्वेद में कि कौन पे कौन कहां पर है आपके। ये अगर एक, ये एक, ये नहीं आप सीख पाएंगे तो आगे चल के फिर सीखने का जो मादा कैसे भाई आप, ये तो अगर इतना भी नहीं मालूम होगा तो बेसिक चीजें धीरे धीरे नहीं होंगे, भूलते जाएंगे ना सब सारी चीजें। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि आकाश में क्या है, आकाश में लंग्स है और आपका एलआई है, एलआई दोनों एलआई में। अच्छा कह रहे गैस, तो गैस के संबंध किससे होगा प्राथमिक रूप से? अभी सारा रुके रहे, सारा बोलिएगा आप, देखिए मतलब अब सोचिए खुद, अब अपने दिमाग से यूज करिए, क्यों गैस क्यों हुई, किसकी वजह से होती है, गैस का कारण क्या होगा? गैस माने इनडाइजेशन, भोजन जब खाएंगे तो उससे कुछ बनेगा, लिक्विड बनेगा, कुछ ठोस बनेगा, कुछ गैस बनेगी, बनेगा ना। तो ये एक प्रोसेस हुआ, उस केमिकल प्रोसेस हो रहा है ना अंदर। तो गैस मान लीजिए अधिक बन गई, यानी क्या हुआ, या तो खाना थोड़ा कम पचा या अधिक पचा, या गैस फॉर्मेशन नॉर्मल हुई। अब वो गैस अधिक बन रही है तो तीन ही ऑर्गन तो पहले जिम्मेदार हैं, पहले मुंह में गया स्टमक, मुंह से लेकर के और एसोफेगस से लेकर स्टमक तक स्टमक है। हम लोग मानते हैं, चाइनीज मानते हैं, मुंह से जहां शुरू किया और एसोफेगस और स्टमक तक स्टमक है। तो एक तो ऑर्गन स्टमक हो गया, स्टमक के बाद दूसरा भोजन कहाँ चला गया? पाइलोरस के माध्यम से, याद करिए बीएचबी एक साथ सब याद करिए, पाइलोरस, पाइलोरस से चला गया कहां पर? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम माने स्मॉल, ड्यूडेनम माने स्मॉल, यस स्मॉल,
स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला और पहला पार्ट है, उसके बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम, तीनों याद रखिए, जेजुनम फिर इलियम। तो इलियम के बाद जब गया तो वहां पर क्या हो गया, कोश वो सीकम, सीकम हो गया। तो यानी सीकम से शुरू हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन जिम्मेदार हैं पहला गैस के लिए। तो तीनों उंगली पर ऊपर बात जॉइंट, तीनों और यांग ऑर्गन है, तो तीनों के एक दो और तीन, तीनों के यांग ऑर्गन पे मेथी लगा दीजिए। सरल ऐसे सीखिए, अब किताब पढ़िए और मनन करिए बस। चलिए अब जैसे किसी को फीवर आ जाता है तो फीवर के लिए क्या करें, बोथ इंडेक्स फिंगर पी जॉइंट मतलब पित्त जॉइंट पे हमको मेथी पट्टी लगाना है। पेज नंबर वो 37 खोल लीजिए, 36-37 जो आयुर्वेदिक उनका भारद्वाज का, उसमें लिखा हुआ है सब। क्योंकि आप कह रहे हैं कि पित्त जॉइंट, इसमें पित्त जॉइंट में क्या है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसको मत भूलिए। तो यानी ये सात आपके धातुएं हैं जो आपके शरीर को धारण कर रही हैं, ठीक। तो धातुएं धारण कर रही, तो रस माने क्या, रस माने जल, जल की उंगली कौन सी है, यस, तो जल की उंगली ये हुई, हाँ। तो उसके राइट इंडेक्स फिंगर में रस हुआ, तो रस माने जल, जल तो रस की यहाँ उंगली हो गई। तो रस को क्योंकि टिश्यू है रस, इसलिए सारे टिश्यू रखे गए कहाँ, मिडिल जॉइंट में, मिडिल जॉइंट पे सारे रखे गए, सारे टिश्यू चाहे गर्भ में मिलेंगे, चाहे टिश्यू हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे कलर, सब रखे गए इसी में। तो इसलिए इस पर आपने रख लिया, तो ये रस हो गई। तो क्या अगर ब्लड अगर वो बुखार आएगा तो क्या प्रभावित करेगा, रक्त को ही प्रभावित करेगा, नहीं। अगर बुखार आता तो कैसे होता, बुखार अगर यहाँ पर कुछ जलन हो तो बुखार नहीं कहा जाएगा, अगर यहाँ गर्मी हो जाए और यहाँ इचिंग हो जाए तो यहाँ भी पेन होगा, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ भी जलन होगी, ठीक है, यहाँ लालिमा आएगी, लेकिन ये बुखार तो नहीं कहलाएगा ना। अगर कोई जलन, टेम्परेचर, दर्द केवल एक स्थान पर सीमित है तो वो बुखार नहीं कहलाएगा। बुखार तब कहलाएगा जबकि यह जलन पूरे शरीर में हो, और शरीर में कौन सा टिश्यू है जो सबसे अधिक फैलाता है, रक्त एक टिश्यू है ना, तो रक्त ऐसा टिश्यू है जो सर्कुलेट करता है 0.8 सेकेंड में ना, तो यानी इतनी तेजी से फैला रहा। तो एक ही तरीका है कि यानी वो गर्मी या वो टेम्परेचर हर जगह फैल गया, वो पेन हर जगह फैल गया, वो दर्द हर जगह फैल गया है। तो वो फैलने फैलाव के लिए दो ही आदमी तो जिम्मेदार हुए, रस और रक्त। तो हम लोगों ने रस पे इधर कर दिया, रक्त पे इस पे कर दिया, इसलिए हम लोगों ने इस पे कर लिया, क्लियर जी। और इस पे अगर हटाना भी है मान लीजिए, तो आयुर्वेद का कलर कौन सा लगाएंगे अगर लगाना हो, आयुर्वेद का कलर, अग्नि को कौन कंट्रोल कर रहा है, जल जल करेगा, आयुर्वेद कलर जल, जल सर कंट्रोलर जल, जल है ना, तो जल का कलर बताइए उसमें क्या है, नहीं ब्लैक कलर, ब्लू है, ब्लू या ब्लैक, अरे आयुर्वेद कह रहा हूँ, चाइनीज नहीं, अच्छा विप्योर, विप्योर, अच्छा अच्छा उसमें है विप्योर में, इंडिगो ब्लू और फिर ग्योर ग्रीन, ग्रीन से। तो अगर इसको कहीं हटाना हो, मैं वैसे कह रहा हूँ रस रक्त को आपको घटाना हो, तो टेम्परेचर को घटाना है, टेम्परेचर मैंने अग्नि को घटाना है, तो अग्नि को घटाने के लिए आपको चौथा वाला ऑर्गन चाहिए ना, चौथे और चौथे तत्व का, चौथे महाभूत का, चौथा महाभूत जल है, जल महाभूत का क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन, ठीक। ऐसे समझिए, समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं कि समझने का ये तरीका है कि अगर आपको रक्त को यानी टेम्परेचर को कम करना है तो रस और रक्त के
उंगली में बीच में या तो आप मेथी पट्टी बांध दीजिए, और अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो कलर कौन सा लगाएंगे ये तय आप फिक्स कर लीजिए। अग्नि घटाना है हमको, चाइनीज नहीं आयुर्वेद, बस आयुर्वेद बहुत सरल है। विप ग्योर लिखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू माने, इंडिगो माने डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लू माने लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, फिर गुलाबी, फिर उसके बाद दो हैं या तो ग्रे, तो दोनों दोनों को ब्लैक मान लीजिए, वहां ठीक चल जाए। मतलब कम से कम 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे ये बता दें आपको छठे सेमेस्टर तक। ऐसे देखिए मैं बार बार आपसे लोग कहता हूँ, आप लोग इंटरेक्शन आपस में नहीं करते हैं, यहाँ आप हो गए, आप जिस समय क्लास नहीं है आधा घंटा आपस में इंटरेक्ट कर लीजिए, 2-4 लोग कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। और आयुर्वेदिक का जो फर्स्ट सेमेस्टर की किताब जो है उसका पेज नंबर 38, कम से कम नहीं तो 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर, और वो अगर याद होगा तो। देखिए आप मेरा कहना है कि प्रश्नों पर मत जाइए, आप नंबरों में मत जाइए, अब आपको सीखना है। सीखने का मतलब क्या हुआ, आपको ज्ञान, ज्ञान में नंबर मिले या न मिले हम आप नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको पढ़िए समझिए कि क्यों कह रहे। सारे सारे प्रोटोकॉल्स आपको, अब ये वाले सीट थेरेपी वाले तो बिल्कुल टिप्स पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टिप्स पर याद होनी चाहिए भाई, ठीक है कहीं गलती से भूल जाए बात दूसरी, अदरवाइज टिप्स पर भाई कौन आर्गन कहाँ रखा गया, ये तो सेमेस्टर वन की बात है, सेमेस्टर दो में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब तो कर डालिए, रट डालिए पूरा। ये पेज नंबर 38 पे यही है टिश्यू एंड ऑर्गन्स। आगे चलिए, आगे कौन सा है? इसके बाद सर हो गया सर्दी जुकाम अगर किसी को जाता है उसमें है राइट स्मॉल फिंगर एंड लेफ्ट रिंग फिंगर कफ जॉइंट। बताइए राइट हाँ, नहीं पूछ रहा, राइट स्मॉल फिंगर के जॉइंट और लेफ्ट रिंग फिंगर के जॉइंट कफ जॉइंट, मतलब स्मॉल फिंगर का के जॉइंट पे तो वही है हाल्ट है, और क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, लंग्स सर ना, लंग्स नहीं है राइट स्मॉल फिंगर लंग्स, हाँ लंग्स हो गया ठीक है, लेफ्ट रिंग फिंगर मतलब आपके 6 नंबर सर। नहीं क्या, नहीं क्वेश्चन क्या था, सर्दी जुकाम, हाँ सर्दी जुकाम, तो सर्दी जुकाम के लिए, सर्दी जुकाम के लिए कौन सी मेडिसिन जी, सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, कोल्ड है मतलब कोल्ड हो गया आपका 6 नंबर पे, नहीं मतलब सर्दी जुकाम मतलब होता क्या, हम लोग मानते ये हैं कि जो अभी दोनों चाइनीज और दोनों मिक्स करिए, हम लोग मानते हैं कि जब पहले वातावरण चेंज होता है सर्दी जुकाम कहाँ से प्रवेश करता है, सर्दी और जुकाम वैसे दो अलग 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 चीजें हैं, कैसे सर्दी सर्दी नॉर्मली सर्दी के समय में लगती है नॉर्मली, और मतलब हीटर अगर ठंडक है तो आपको सर्दी लगेगी, तो सर्दी के लिए भी आप के लिए क्या लगाएंगे, नाक में इस पे लगा देंगे ठीक है, ये नाक वो इस पे लगाइए, और कोशिश कर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ इसमें मत जाइए, आप लगाइए लंग्स पर और आप लगाइए नाक पर, नाक कहाँ है किसमें है, हमें नहीं अच्छा ओ उसके साथ तो नाक बताइए कहाँ, इसमें नाक बताइए कहाँ, नाक माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध का होगा ना नाक ना, तो नाक लगाइए मेरे हिसाब से आप लंग्स माने लंग्स तो यहाँ है पहले तो नाक आएगी, तो नाक से हवा जा रही है ना ठंड सर्दी, तो सर्दी के लिए पहला जो प्रोटोकॉल लगाइए वो लंग्स में और नाक पे ठीक। दूसरा आपको अगर दूसरा इसमें देखिए इसमें जो लिखा हुआ वो भी समझिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, सर्दी सर गंध के लिए फिर राइट रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर हाँ राइट रिंग फिंगर ठीक है, राइट रिंग फिंगर गंध के लिए, और लंग्स राइट पित्त जॉइंट, पित्त जॉइंट क्योंकि ऑल जॉइंट्स, देखिए मैंने कहा ना कि आप ये एक सिद्धांत नहीं है, पहला जो कोई भी चीज जो है ऑर्गन के अलावा सारी चीजें आपके मिडिल जॉइंट पर है ओके
टिश्यू, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, एनर्जी, सब देखिए ना, वो किताब पढ़िए पेज नंबर जो बताया 38। तो जुकाम के लिए ऐसा हो सकता है कि राइट रिंग फिंगर कफ ज्वाइंट, सॉरी पित्त ज्वाइंट, और राइट स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट, मेथी पसी। तो ये तो इसके लिए हो गया, नाक के लिए, ठीक। अब आपको सर्दी नहीं, अब आपको सर्दी लगी है, हम देखें वो प्रोटोकॉल आप बनाना बनाइए खुद ही, है ना सक्सेस है जी। देखिए ऐसे तभी इंटरेक्शन होगा। अब इंटरेक्शन ये कि अब आपको सर्दी लगी है, बताइए सर्दी के लिए और क्या चाहिए आपको? टेम्परेचर मतलब सागर जी बोलिए, शरद बोलिए, शरद बोलिए सर, वो टेम्परेचर में डिफरेंस है ना बॉडी के। हाँ टेम्परेचर बढ़ाना है। यस सर। तो अग्नि के लिए कौन सा जिम्मेदार है, उंगली कौन जिम्मेदार है? लेफ्ट रिंग इंडेक्स फिंगर सर। यस, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। आपके पास शरीर में गर्मी कौन ला रहा है, ऐसे सोचिए कौन ला रहा है शरीर में, ठंडा कौन ला रहा है वॉटर एलिमेंट। शरीर में ठंडक लाने के जिम्मेदार ऑर्गन एक ही है, किडनी। किडनी है। जल तत्व का संयोग, भाई आप तत्व से मत भूलिए, सबको मिक्स कर दीजिए जितना पढ़ा हुआ सब। जल तत्व का नियामक कौन है? किडनी। किडनी कंट्रोलर है ना। और गर्मी का कौन है, गर्मी किसकी एनर्जी है? हार्ट क्या काम करता है? हार्ट काम क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है, क्या क्या पंप करता है? ब्लड, ब्लड को, ब्लड। तो ब्लड गर्मी लाता है, पहले समझ गया, जानते ही नहीं ब्लड की वजह से गर्मी है आपके शरीर में। जी जी। तो ब्लड गर्मी लाता है और ठंडक लाता है किडनी। किडनी ठीक। किडनी माने किडनी गर्मी सर्दी लाती है और गर्मी लाने काम हार्ट करता है, इसीलिए नीचे ऊपर दोनों लिखा हुआ है किताब में, पढ़िएगा कि उसमें दोनों जल तत्व का, ये शुरुआत के 27 के शुरुआत में दो किडनी और हार्ट दोनों मिलकर के शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं, एक ठंडक एक गर्मी दोनों बैलेंस करते हैं। तो अब आपको प्रोटोकॉल बन गया ना, सर्दी सर्दी में लगी, सर्दी लग गई है मालूम है आपको, सिंपल की बात कर रहे हैं, आगे ट्रीटमेंट अलग करिएगा। पहला आपका वो कि आपने नाक को बंद किया, टेप लगा दिया। कैसे टेप लगाया? रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर के पित्त जॉइंट में आपने नाक को मतलब उससे कर दिया, मतलब मिथी लगा दिया। दूसरा आपने क्या किया, वो ठंडी हवा जाएगी लंग्स में तो आपने लंग्स को ठीक कर दिया। अब आपने क्या किया कि अब आप सर्दी से गर्मी आपको चाहिए तो गर्मी में आपके पास ये है रक्त, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर रक्त, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो तीन पट्टी हो गई आपके पास, आपका सर्दी वाला तो काफी काम हो गया। तीनों जगह मेथी पट्टी ही लगा देंगे। अभी मेथी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, प्रोटोकॉल आपके पास हजार हो सकते हैं, मेथी लगाइए, कलर लगाइए, मैग्नेट लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन आपको पहले क्या करना है, पहले करना है मेथी। हम लोग सीड की बात, सीड थेरेपी की बात कर रहे हैं अभी, तो सीड लगाना। सर इसलिए पूछा ना मैंने कि एक जगह जल को कम करना है और अग्नि को बढ़ाना है, तो दोनों में ही मेथी पट्टी काम आ जाएगा। मेथी मतलब वो मेथी हम लोग मानते हैं ना कि मेथी बैलेंस करती है अपने आप, तो इसमें लगाएंगे तो स्टिमुलेशन होगा, हम इसको स्टिमुलेशन हो रहा है, इसको तो हम कर ही नहीं रहे ना, हम तो इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक। केवल मैग्नेट में है कि सोचना पड़ता है, मैग्नेट में, मैग्नेट बहुत हो गया, मैग्नेट बात हो जाएगी अभी बता कर देंगे, मतलब इसमें सोचना नहीं है। प्लस आपको एक सक्सेना जी ने नाम दिया है जुकाम, जुकाम कब होता है, सर्दी में नहीं होता जुकाम, जब गर्मी में होता वो जुकाम कहलाता है। सर्दी जुकाम, जुकाम माने अलग, वो गर्मी में होता है और सर्दी में, लेकिन दोनों में आपकी नाक और दोनों में प्रभावित होती है, उन्होंने जो कह दिया। और दूसरा एक एक और तरीका आप कर सकते थे, देखिए कि उन्होंने
कहा रक्त, क्योंकि सर्दी लगी तो रक्त बढ़ा दिया आपने, नाक पे ठीक कर दिया आपने यहाँ पर, और उसके बाद आपने लंग्स को ठीक कर दिया। अब सर गर्मी में जुकाम हो गया है, तो गर्मी, एक तो गर्मी लगी, गर्मी और सर्दी के वजह से हुआ, तो लेकिन मेन गर्मी के सीजन में हुआ, तो लेकिन तब भी यू कह रहे हैं लंग्स तब भी सुधारिए, क्यों? अल्टीमेटली जुकाम नाक से कुछ सिम्टम नाक ही से मालूम पड़ेंगे कि सर्दी लग गई है। जुकाम में भी ये होता है ना, कुछ नाक चलती है या नाक रुकती है या बंद होती है, और लंग्स जो है आपका प्रभावित होगा। तो लंग्स का प्रभावित करने का उन्होंने कहा कि लंग्स को यहाँ पर ठीक कर दीजिए, फिर नाक में भी लगा सकते हैं, अगेन एक दो। अब तीसरा, आपको गर्मी लगी तो रक्त में लगा नहीं सकते आप, ठीक? तो या तो आप किडनी पे जाइए जल तत्व तो बढ़ाने के लिए रस में, और या इन्होंने कहा कि आपके पास ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है लेफ्ट रिंग फिंगर, उसमें ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ाया था, अभी क्या, अभी बताए थे ना, मिड ब्रेन सर, नहीं नहीं, एक प्रश्न आया था तो उसमें कहा था कि ऐसे बीमारी के इलाज करना होगा, सर्दी में ये, गर्मी में ये, बरसात में ये, मतलब सीजन के हिसाब से आपको इस उंगली का बहुत महत्व है, कई यूज है, नर्वस सिस्टम काल की छठवें नंबर की है, इसमें बाद में याद करिए, कई नोट नहीं करते आप लोग, इसलिए तो आप लोग भूल जाते हो, तो नोट करते हो दिखता नहीं, इसमें ये छह नंबर की उंगली नर्वस सिस्टम उंगली है, तो नर्वस सिस्टम सूचना देती है बाहर से, सर्दी गर्मी बरसात तीनों सूचना देगी, तो सर्दी के सब सूचना देगी, तो सर्दी माने कॉन्ट्रेक्शन, तो ये नीचे वाली कफ ज्वाइंट है, बारिश का मतलब जल और अग्नि दोनों, तो पित्त ज्वाइंट, और ऊपर वाला ज्वाइंट वात ज्वाइंट माने गर्मी, तो गर्मी लाने के लिए वो कह रहे हैं, गर्मी लाने के लिए ये इसको भी यूज कर सकते नहीं, तो गर्मी में लगी ना, जुकाम हुआ तो गर्मी में यूज कर लीजिए इसको यूज कर लीजिए, तीन हो गए। नहीं आप लोग मतलब समझ रहे, इंटरेक्शन करिए तभी आप, अब देखिए, अब ये नहीं कहा जा सकता कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर पढ़ चुके हैं तो अब आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते, अब आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में आकर के, जब तक आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तब तक फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? पॉइंट लगाइए अपने आप बैठे मतलब घर पे, कोई भी तकलीफ हो तो याद हो जाता है, किताब जो पढ़िए तो उसको यूज करिए, यूज कम मत करिए। H9 कितने लोग टोन किए हैं बताइए, एक सुधा मैडम, नहीं सर अभी नहीं किया है, क्यों नहीं किया हुआ है? क्लास में जब बैठिए तो आप देखिए, यही तो नॉलेज है जो आपको मालूम है, वो नहीं यहाँ पर है बिल्कुल, नाखून जो नहीं बबली ने लगा रखा है, छोटी उंगली के नाखून के बिल्कुल नाखून पे कलर लगा दीजिए आप, और नहीं कर सकते। H9 माने क्या हुआ, H9 माने विंड हुआ, विंड का कलर चाइनीज में क्या है, विंड का ग्रीन है, एक मिनट, नहीं फूड हुआ ग्रीन, ग्रीन है ना, ग्रीन होगा, ग्रीन लगा लीजिए, अगर नहीं सो तो ग्रीन लगा दीजिए, दोनों जगह ग्रीन लगा दीजिए, नहीं तो टोन करिए, जब ये जब तक करेंगे नहीं तो आप सोचते हैं कि हमको विद्या आ जाए, भगवान करे विद्या आ जाए, नहीं भगवान तो बैठे हुए क्लास बैठे हो तो क्लास में करिए बैठिए, हम कंपल्सरी नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन आप नहीं करोगे तो खुद ही आपको नहीं, बार बार कह रहे हैं कि H9 टोन करिए, और ये एक साल भर से कह रहे हैं H9 टोन कर बैठिए, हम लोग खुद ही देखिए H9 टोन करके हम भी बैठे हुए हैं, LU11 सिलेक्ट करके बैठे हुए, तो इसको मेरा कहना कि ये करते जाइए, जब तक ये नहीं करेंगे प्रैक्टिस, आपको जब तक काम है तो काम प्रैक्टिस, ये सीट थेरेपी पॉइंट है, अपने आप लगाइए, अपने घर वालों को लगाइए, हम पहले तो नहीं लगाते थे, अब लगा रहे तो याद हो, अपने आप याद हो जाते हैं कि अच्छा ये इसका पॉइंट था। अब अगला है जैसे मूत्र संबंधी, मतलब यूरिन संबंधी, अब इसका एक
केवल इसमें दिया है मुंह, इसमें समझ लीजिए कि आपके किडनी से संबंधित कोई भी रोग हो तो आपको केवल ये करना है कि राइट इंडेक्स फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे लगाना है। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है मतलब यूरिन के बारे में बात और कफ ज्वाइंट, पर ए के सिंह साहब ने कहा कि एनी काइंड ऑफ किडनी प्रॉब्लम आप तीनों मेथी पट्टी बांध लीजिए ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ये यूरिन की प्रॉब्लम होने पे, यूरिन की प्रॉब्लम होने पे दो चीजें हैं भाई, ध्यान रखिए हमेशा। यूरिन की प्रॉब्लम होने पे हमेशा आपको 0.9 पहले करके जाइए, अगर बाहर आप गुजार रहे हैं या तो आप दोनों उंगलियों में, लेडीज स्पेशली, या तो जब बाहर आपके गुजार रहे हैं तो दोनों उसमें आप लोग लगा लीजिए, कलर कलर से बांध करके चलिए, ब्लैक कलर दोनों में, किडनी में भी और यूबी में भी, दोनों में, ठीक। फिर वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई समस्या आ जाती है तो आपको इसी उंगली को ट्रीट करना है, तो इसको तीनों जॉइंट्स में लगा लीजिए मेथी, उससे लगा किडनी स्टोन होगा या मतलब आपका क्रिएटिन बढ़ा है, कोई भी प्रॉब्लम हो किडनी की, बस सीधी ये उंगली। हाँ, और भाई आगे, अभी तो हम लोग आगे कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आगे चल के आपको बताएंगे, आप लोग कहीं हो अभी नोट कर लो तो कभी काम देगा, जो लोग आगे पढ़ना चाहते हो नोट कर लें कि आगे जो है पूरा मैम 10 मिनट लगेगा, वेलकम, 10 मिनट बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आम प्रेजेंटिव हूँ, मैं 10 मिनट बाद आपको सर हम भी सीख रहे हैं कुछ। अच्छा नहीं नहीं हमने कहा वो आपको वो डाटा नो, नहीं सर हम मैनेज कर लेंगे। तो मेरा कहना है कि आप लोग जब भी इन्फेक्शन के लिए कोई करें तो पहले तो इन्फेक्शन वाला भी नहीं कोई लगाता जल्दी, मेरा ये दुख है, मेरा अच्छा कहाँ पे जीरो मतलब इसी फिंगर पे 0.9 कहाँ पे लगाएंगे बताओ, अरे पेन रख के बताओ सर, ये पॉइंट लगा दो आगे जी, आगे क्या हुआ, हाँ पीछे ठीक है जीरो, हाँ ठीक है। दूसरा आप लोग चाइनीज वाला सिस्टम भी याद रखिए, कौन सा चाइनीज में क्या था इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल, ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन एंड जी क्लिप पॉइंट सिगेट है ना, उसमें ये हुआ था किस जो आपका टोन क्या था, टोन डार्कनेस एंड सिडेट लाइटनेस, ये तो कंसेप्ट था प्रोफेसर पार्क जो ने सेंटेंस बोला था, आपको बताया हुआ है, मैंने सबको बताया हुआ, मेरे स्टूडेंट जो है कि उन्होंने कहा कि टोन डार्कनेस असिडेट लाइटनेस, तो डार्कनेस पॉइंट कौन सा था चाइनीज में, ऑर्गन सोर्स पॉइंट सर, वेरी गुड। और हमारे यहाँ क्या है आयुर्वेदिक में, जीरो जीरो तम, जीरो टोन हो गया। अब हमारे यहाँ प्रकाश का केंद्र कौन सा है, आत्मा, आस्था, तो 9 सिडेट हो गई, वहाँ क्या है प्रकाश, वहाँ हंग अहंग जो भी है वहाँ मंदिर को हंग कहते हैं, तो जी क्लब पॉइंट कौन था हंग कहलाते थे, यानी बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिरों में जहाँ ऊर्जा सर्वाधिक हो रही है उस ऊर्जा में प्रकाश सबसे अधिक था, सबसे अधिक ऊर्जा थी तो प्रकाशवान माना गया था, तो उसको सेडेट कर दिया। ये आप जो बाहर जो जब भी बाहर निकलिए तो कम से कम ब्लैक कलर लगा लीजिए, जल्दबाजी में पूरा लगा लीजिए, उस ऑर्गन पे लगा लीजिए, चाइनीज में लगाना हो तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें लगा लीजिए, इतने तो लगाइए ही, क्योंकि आप कोई भी इन्फेक्शन जाएगा तो यही सब माध्यम तो है, स्टमक माध्यम, मुंह स्टमक माध्यम है, वहां कहीं जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन माध्यम है, यूरिनेशन के लिए आप जाओगे तो आपके वो माध्यम, तो कम से कम उन सबसे आपको रक्षा होगी, तो ये वाला ठीक। तो ये बहुत इस सिद्धांत का पालन, देखिए सिद्धांत इसलिए नहीं कि जो है दूसरे का पालन, जब पेशेंट आएगा तब दिखाएंगे, नो, आपको कोई बीमारी हो तो पहला पॉइंट आपको कहा गया है नाभि को ठीक करिए, कहा गया ना, इस तरह से मिला तो नाभि को ठीक हमको, अगर आपका नाभि हो, अगर ये आपको नाभि आता हो या करें ना करें, अगर कोई बीमारी है आपको
किसी तरह किसी की बीमारी है तो वही राइट बिग टो पाद जॉइंट 2-5-8-1-7-2 ये आपको लगाना ही लगाना कंपल्सरी, नहीं लगाते कोई। हम लोग सोचते हैं ये दूसरे के लिए है, नो इट इज मेंट फॉर अस, ये हमारे लिए है, हमारे आज के लिए, कल नहीं कि अच्छा भैया ऐसा रख दिया कल से पढ़ना शुरू करें, नो टुडे। सर आप वापस से बोलेंगे 2-5-9-8? हाँ, राइट बिग टो नाभि के लिए, राइट बिग टो, राइट बिग टो वात जॉइंट 2-5-8-1-7-2। ये किसी भी बीमारी में पहला शर्त है, कोई भी बीमारी आए, कोई भी पेशेंट आए, आप स्वयं पेशेंट हो तो आपको नहीं मालूम कि नाभि टली है कि नहीं टली, नहीं नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप लगा लो ना, वो बैलेंस करेगा आपको। क्योंकि आपने कभी कोई कुर्सी खिसका दिया वजनी वाली तो आगे कुर्सी खिसक तो गई, लेकिन आपके पैरों में जो प्रेशर हुआ उसकी वजह से कभी कभी आपकी नाभि, आपने कोई झटके से कोई बाल्टी उठा लिया, आपने उठाया वजन आपको लग रहा कम है लेकिन वो वजन अधिक था उस, और हल्के झटके से उठाया आपको नहीं, जैसे खाली, आप समझे खाली बाल्टी, तो खाली बाल्टी भरी हो तो दोनों में अंतर हो जाएगा ना आपकी, बस वही है। तो कभी जितना उसको वेट वो नॉर्मल बर्दाश्त कर पा रहा उस तरह नहीं करा तो वो नाभि खिसक जाएगी, तो इसको याद रखिए। हाँ सक्सेना जी आगे एक आध और बता दें तब मैडम। सर वैसे जो नाभि के लिए बताया गया था हम लोगों को जो गए थे एक हफ्ते का जो हमारा क्लास हुआ था उसमें, ताकि आप इंसान को पट करके लेटा दीजिए और गर्दन से लेकर उसको दबाते हैं नीचे तक और फिर नाभि आ जाती है बैलेंस। नहीं वो तो बैलेंसिंग तरीका है, ये मान लीजिए वो तरीका नहीं मालूम इनको, तो हमारा कहना है कि आप देखिए कोई भी प्रोटोकॉल जो एस्पस से आता है उसमें पहला ऊपर लिखा रहता है बिग टो 2-5-8-1। अगर बिग टो नहीं तो आपको राइट थंब में लगा सकते हैं, 2-5-1 नहीं 2-5-8-1-7-2 2-5-8-1-7-2 और मतलब आप समझिए सर ये प्रोटोकॉल किसी भी किडनी की प्रॉब्लम में, लार्ज इंटेस्टाइन किसी की प्रॉब्लम में लगा सकते हैं, नाभि के लिए, नाभि के लिए नहीं, ये नाभि के लिए कोई भी पेशेंट आए। अब ये कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रही, बीमारी किसी और की है, किडनी की बीमारी है, ठीक है, उसने कुछ बताया कोई बात नहीं, बीमार है ना, तो ये तो बैलेंसिंग पॉइंट है, तो आप उसको बैलेंस करिए। मैं बता रहा हूँ कि आपने देखा नहीं शायद, जितने भी प्रोटोकॉल हैं उन सब में पहला प्रोटोकॉल है 2-5-8, उसमें बीमारी नाभि वाले तो ना आते हैं, लेकिन मतलब कोई भी इन्फेक्शन के लिए 0-9-8 ऐसे ही किसी भी बीमारी में बैलेंसिंग के लिए जब भी कोई पेशेंट आए तो उसको ये दे 2-5-8-1-7-2 इसको बोलते हैं थंब रूल 1। थंब रूल माने थंब रूल 1 में आपको सिखा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने बताया है प्रोटोकॉल, आप देखा आप सब लोग बताया थंब रूल 1 2-5-8-1 राइट बिग टो वात जॉइंट 2-5-8-1-7-2 मतलब सबसे पहले पेशेंट का नाभि पहले पेशेंट की कर रही है। नहीं आपको समझ में आ रहा इसको चेक करना तरीका है, ये उंगली में करना, तो ये तरीका है कि भाई सारे हैं सारे आपको मिल जाएंगे, ये वाले 3-4 अगर मिल गए तब ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो लेकिन आपको नहीं मालूम, हम कह रहे हैं नहीं मालूम आपको, नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप, कोई बात नहीं पॉइंट तो लगा दीजिए, 2 दिन लगाइए ठीक, 2 दिन लगा मतलब दो तीन बार लगा दीजिए ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कोई भी मरीज आए 2-4 पॉइंट लगा तो समझेगा अच्छे डॉक्टर हो, क्योंकि आप लोग आप चाइनीज में पढ़िएगा ना, चाइनीज सेमेस्टर 1 की फाइल में ही आगे पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे तो सेमेस्टर 1 में आप नाभि का लिखा हुआ है कि नाभि की वजह से 1000 बीमारी संभव है, वोमिटिंग, नौजिया, टेम्परेचर, नीचे का पॉइंट वो लीवर का इधर से उधर हो जाने तो वो उल्टी, चेस्ट में बर्निंग, सब कुछ हो सकता है उसकी वजह से, नीचे के यूट्रस, नीचे के पैरों में दर्द, गोनेडियल जो प्रोलैप्स, ये सब उससे हो सकता है, ये हार्निया, ये सब हो सकता है उससे, क्यों, क्योंकि खींच रही ना, एक
एक जगह ये एक खींच रहा है, एक दूसरा खींच रहा है। अब कुछ मेन मेन पॉइंट बता दे रहे हैं, टाइम हो रहा है, जैसे मेन पॉइंट है आजकल। स्पाइन की प्रॉब्लम होगी और उसमें ये थंब रूल रूल नंबर वन लगा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, फायदा ही करेगा। थंब रूल माने थंब रूल, जनरल जानना चाह रही हूँ सर कि अगर किसी भी बीमारी में लगा दें हम। हमने पहला सेंटेंस हमने यही बोला ना, तो उस सेंटेंस को आप उसमें वो सेंटेंस बार बार कह रहे हैं। पहला थंब रूल माने थंब रूल, एनी 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 का हुआ, ये तो नहीं कहा ना कि इन में नहीं, एनी बीमारी एनी डिजीज, ठीक है सर। हम रूल नंबर वन, अगर आप चेक नहीं कर सकते हैं आपकी टली कि नहीं टली, तो ये हम रूल है कि राइट बिग टो पैर में लगाइए, ठीक है, ये हम रूल है नंबर वन। नंबर टू देखिए, वो चलिए आप बताइए, तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ना, डिस्कशन में कहीं आएगा। हाँ बोलिए, मतलब कुछ मेन है, जैसे लोग अक्सर हमारे पास लोग आते हैं भैया नींद नहीं आती रात भर अनिद्रा, तो उसका है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पांच जॉइंट पे आप मेथी पट्टी लगाइए तो नींद आएगी। और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर पांच जॉइंट पे, मतलब मैं लगा भी रहा हूँ, मेंबर टर्मिनल है उनको, मतलब नींद ही नहीं आ रही, कर में बता रहे 6 महीने हो गए, तो लगा अब चालू उनको लगा दिया पॉइंट। नीतू मैम बताइए, थोड़ा सा बताइए, आप लोग प्रकाश डालिए थोड़ा, आप ही लोग पूछते हैं कि क्यों ये इन्होंने प्रोटोकॉल दिया ये वाला। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर सर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर अग्नि की फिंगर है, उस पे लेफ्ट पे लिवर गॉल ब्लैडर आ रहा है। यस, और आइस भी है वहां पर पित्त जॉइंट पर। इसमें क्या है लिवर एंड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर है इसी में, दोनों में है, ऊपर में क्या है? रक्त नहीं सर, लेफ्ट इंडेक्स में लिवर है, ऊपर लिवर है, नीचे गॉल ब्लैडर है सर। नहीं उल्टा बोल दिया, नीचे लिवर होगा। अब आप बताइए क्यों नींद ना आने के लिए इसको दिया जाता है, नॉर्मल बता दीजिए फिर खत्म करें उसको। आप लोग पढ़िएगा जरूर, जो पूछिए, देखिए हमारा कहना इंटरेक्शन करिए प्लीज, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ बेस्ट स्टूडेंट और आप लोग जो है उसमें थोड़ा सा। नहीं सर, हमारा एक मतलब सुझाव ये है, जैसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बजाय और पूरा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, ये डिस्कशन बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं, पढ़ाना अलग चीज है, पढ़ाना तो पढ़ाना ही है, ये आपस में इंटरेक्ट करिए और जो पूछना हम पूछ रहे हैं, ये तो हम बता रहे हैं, उसके लिए प्रस्तुत है। नीतू जैन बताइए जरा प्लीज। लिवर गॉलब्लैडर रात का टाइम होता है। अरे जब ऊपर की बात हो गई तो लिवर कहाँ आ गया, यही तो बार बार बेटा, जब ऊपर कह रही आप तो आपने कहा गार्ब्लेडर, तो लीवर गार्ब्लेडर क्यों कह रही बार बार, जब एक बार आपने गार्ब्लेडर कह दिया तो गार्ब्लेडर पे सीमित रहिए, लीवर की बात ही नहीं मत करिए। हमने दोनों में कहा होता इन्होंने तो लीवर गार्ब्लेडर की बात चलती। व्हेन यू आर सेइंग नो इट इज अपर जॉइंट में तो एक ही ऑर्गन है, तो थिंक ओनली गार्ब्लेडर, क्यों गार्ब्लेडर मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए क्यों गार्ब्लेडर, अंदाज के हिसाब से वो टाइम सोने का जो रात का टाइम होता है गॉल ब्लैडर का 11 से 1 होता है, अगर उस टाइम हम नहीं सोते हैं तो उसको रेस्ट चाहिए होता है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं ये तो जो एक पेशेंट ना पढ़ रहे हैं वो बता देगा कि आप समय से नहीं सोएंगे आपका सर दर्द करेगा, ये रीजन नहीं है। बेसिक रीजन क्यों उस पर ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ कौन सा मेरिडियन है, सिंपल चीज, मैं ये वो जानना। देखिए आप लोग थेरेपी की तरह बात करेंगे ना, ऐसे तो किसी रिक्शे वाले से पूछो भी कहेगा सब भैया रात में ठीक से नींद नहीं आती हो जाते हैं तो फिर सो नहीं पाते, ये तो अलग पॉइंट हो गया, या थक जाते हैं तो नींद नहीं आती, या नहीं थकते तो नींद नहीं आती, ये सब। लेकिन कहा जो ट्रीटमेंट है वो गॉल ब्लैडर, चूंकि मेरिडियन यहाँ है इसलिए उसको हम लोग कह रहे हैं। अब वो ब्रेन की मेरिडियन कही जा रही है, आपने पढ़िए सेमेस्टर, देखिए मैंने कहा था कि 21 से लेकर के जो आगे चैप्टर है उनको आप लोग खुद पढ़ना, एक बार आप पढ़ लेंगे 27 तो आपके ज्ञान चक्षु काफी खुल जाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत योगी हूँ, मुझको आपसे टैलेंट में होता था, मैं कमजोर हूँ, लेकिन दो होते हैं, एक होता प्रतिभा, एक होता प्रज्ञा। प्रतिभा माने जो जन्मजात मिली हुई हो,
हो सकता है जन्मजात में आप में से किसी की प्रतिभा शक्ति मुझसे अधिक हो, लेकिन प्रज्ञा शक्ति वो है जो हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। कैसे? पढ़ के, सोच कर, विचार करके, बातचीत करके, ये प्रज्ञा शक्ति है। तो प्रज्ञा शक्ति का अभाव मत होने दीजिए, प्रतिभा सबकी अलग अलग है। ठीक है बबली सिंह, समझ रहे हैं कि नहीं? आप हमको चाहिए अगली बार अगले नंबर आ रहे हैं चाहिए, वो नीतू सिंह, नीतू जैन पढ़ाएंगे, सुधा पाठक पढ़ाएंगे, बबली सिंह पढ़ाएंगे, अगली बार से सारद भी पढ़ाएंगे और अनिता जैन मैम पढ़ाएंगी ही पढ़ाएंगी। देखिए पूर्वा बहती मैम सेकेंड सेमेस्टर की हैं, वेलकम, और सेकेंड सेमेस्टर की हैं, वो इंग्लिश के दो सेक्शन पढ़ा चुके हैं, आज देखिए आपको ब्लड पढ़ाने के लिए प्रस्तुत है। दिस कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं कह रहा है, कॉन्फिडेंस तो पढ़ने से आएगा, इन्होंने भी तो वहीं से पढ़ा है, इनकी उम्र आप लोगों से कोई बहुत कम नहीं है, बराबर ही होंगे, छोटे बड़े दो एक दो साल के हो सकते हैं। सर मैडम ने कितने सेमेस्टर किए हैं पूर्वा मैडम ने? मैडम सेकंड सेमेस्टर में है। अच्छा नहीं, चेहरे से लग रहा है कि 7-8 कर चुकी हैं। सर इतने बड़े लग रहे हैं। अरे लग रहा पढ़ने में। नहीं नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें तो आपको वो करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। चेहरे से लग रहा मतलब यानी वो जो ज्ञान का तेज है वो लग रहा है कि आपको ये उम्र से नहीं है, उम्र तो कोई किसी नहीं जान पाता है। अरे मैं तो हम लोग उम्र भले जान जाइए, लेकिन आप लोग तो सुधा मैम समझ रहे हैं, एक क्लास आपको लेना है, नीतू जैन मैम को एक क्लास लेना है पूरा चैप्टर, और बबली सिंह मैम को एक लेना है। सारथ आप ओपन करिए। यस सर। अरे यस सर, हेलो, आपने क्या ओपन किया? वीडियो तो ऑन, आप कहाँ बैठे हो, बाहर है क्या? ये वीडियो जरूर खोल करिए, उससे मालूम पड़ता ना कि कौन वीडियो वीडियो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारथ बहुत योग्य हैं, लेकिन सारथ हमेशा आपका वीडियो कभी ऑन, चेहरा देखने वाला कौन है सारथ सर? अरे सर मैं कहीं और होंगे। अच्छा नहीं सर, रूम में ही सर। अच्छा आप समझ गए, रूम में आप, आपका वीडियो कभी ऑन नहीं रहता, मैं देखता हूँ जितना जो हमारा मुलाकात हुई होता है उससे अधिक आपका हमेशा, आपको तो ऑन ही, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आप ऑन हुआ है। सारथ आपको भी क्लास लेना होगा, चाहे इंग्लिश में लीजिए चाहे हिंदी में, इंग्लिश में लेना चाहे सर? नेक्स्ट सेमेस्टर ले लूंगा सर। कॉन्फिडेंस है सागर को, सागर आप कॉन्फिडेंस में करो। देखिए हमको निकालने हैं, हमको हर स्टूडेंट चाहिए हमारा कि वो कहे कॉन्फिडेंटली कि हम ये चैप्टर बढ़िया से कर लेंगे, बस एक चैप्टर हमको चाहिए मिनिमम, भले आप 10 न कर पाओ, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे पढ़ाएंगे ना। असल में पढ़ाने से ये होता है कि आप खुद पढ़ोगे। सक्सेना और... जी देखिए हिच सब कुछ है, ये भी नहीं कह रहे थे जबरदस्ती, मैंने कहा कि नहीं पढ़ाइए आप समझिए कि मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ सर के वजह से, मैंने 6 सेमेस्टर कर लिए, वरना हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे टेस्ट सेशन की, तो पढ़ा रहे हैं। हमारे धनंजय सिंह आते हैं वो पढ़ाते हैं। देखिए अब की बार जो है अनिता मैम को आपके सामने कहा तो उन्होंने 2 क्लासेस लेना कहा, अगली बार क्लासेस ले रहे सूक्ष्म अभिनव पे हिंदी में नहीं, और कल हमारा सीनियर पूर्वा मैम तो अभी ज्वाइन की, हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं की है, मतलब कहीं से थी वहाँ हमारे यहाँ संपर्क में आई और हमने कहा कि पढ़ाइए, तो वो इंग्लिश जो हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन है पढ़ा रही। अच्छा सेकेंड सेमेस्टर में सारथ आपके साथ है, वो भी इंग्लिश सेक्शन में है, आप भी इंग्लिश सेक्शन में है, मतलब इसमें कुछ पॉइंट जो और भी हैं कल बता देंगे, बाकी कल हाँ जो बता दीजिएगा, नहीं तो अब जो ऐसा है देखिए हमारा काम ये है, अब पॉइंट बताना नहीं है, किताब आपको मालूम है उसमें जो चीजें इंटरप्रेट करिए, कुछ उसमें सिद्धांत अलग हो सकते हैं जो आपको समझ में ना है, क्योंकि वो अगले चैप्टर के हिसाब, अगले क्लासेस के हिसाब से हैं, जैसे
किडनी को हम लोग मानते हैं कि मिडिल फिंगर में है, तो कहीं अगर किडनी की प्रॉब्लम में आकर के मिडिल फिंगर में कहीं ट्रीटमेंट की बात हो तो आप लोग मानिएगा, उसको नोट कर लीजिए, केवल आगे चौथे सेमेस्टर में आपको सब मालूम हो जाएगा। चौथे पांचवे सेमेस्टर में, पांचवे में शायद मालूम होगा, पांचवे मालूम हो जाएगा किडनी हमारा किडनी। सर किडनी तो इंडेक्स फिंगर में है ना, राइट इंडेक्स फिंगर में, इसलिए मैंने कहा ना कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा था कि वो हम नहीं बताना चाह रहे थे कि आप इसी में किडनी मानिए, लेकिन जब आगे ज्ञान बढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे अभी आपको जिस वैज्ञानिक को नहीं मालूम, और हम स्टूडेंट हैं तो हमको सूरज देखते हैं तो हमको सूरज ही दिखाई पड़ता है, जो वैज्ञानिक होता है उसको सूरज में धब्बे दिखाई पड़ते हैं, लाल गोला दिखाई पड़ता है, चांद में धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये जो आता है ज्ञान के हिसाब से, ऐसे ही आपका ज्ञान जैसे बढ़ेगा आपको सारे सारे ऑर्गन्स जो है आपको हाथों में दिखाई पड़ने लगेंगे ऐसे, और आप कहोगे अरे इसमें तो ये है, इसमें ये, इसमें ऐसे छठे सेमेस्टर में सर आएगा एक ही, मतलब फिर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये हाथ से मतलब ही नहीं आपको, इस तो मिडिल फिंगर पे आ जाएगी आपकी किडनी चौथे सिक्स सेमेस्टर में, सब पांच के हिसाब से होगा। लेकिन हम बताना नहीं चाहते, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कंफ्यूजन होता है उससे, उसको बोलता ही नहीं कंफ्यूजन। तो कितने मुश्किल से याद किया था सारे फिंगर का, तो अभी हमने बताया कहा, हमने इसीलिए कहा कि अभी यही यही याद रखिए, इसलिए आपको मोबाइल नंबर याद है ना जी। यस सर, तो देखिए हमारा, हमने तो ऐसे रखा है 1584026739 मोबाइल नंबर की तरफ, मतलब इसमें हो गया 158। ब्रेन को जब इस बार पढ़ेंगे ना आप लोग, ब्रेन पर थर्ड सेमेस्टर में ब्रेन पढ़ाया जाएगा, तो जब ब्रेन को पढ़िएगा तो बस देखिएगा उसमें कि कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जो कहता है कि जितना भी आप अभ्यास करेंगे, आप जितना सीखेंगे, ब्रेन को जितना सिखाएंगे उतना वो सीखता जाएगा। नोट्स बनाना तरीका है, बेस्ट तरीका, ठीक है। ओके, थैंक यू जी। अभी सीट थेरेपी का पॉइंट इस पर डाल दे रहे हैं, अब ये क्लास हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, जरा सा देखना है। ठीक, कोई बात नहीं, जैसे भी होगा हो जाएगा। मैम पूर्वा मैम का स्वागत है, और वो मैं शेयर करता हूँ, आज आपको वो पूर्वा मैम पढ़ाएंगी ब्लड ब्लड, तो मैं शेयर कर दूँ पहले? सर स्टार्ट कर दीजिए, मैं शुरू कर देती हूँ। ठीक, कर दीजिए। तो ब्लड तो हमने सभी सुना ही है अपनी जिंदगी में, हल्का सा कट मारो एक खून सा कुछ बाहर, लाल लाल कुछ बाहर आता है, इसको बोलते हैं ब्लड। लेकिन एक्चुअल सही मायने में ये ब्लड होता क्या है? एक्चुअली मैं इंग्लिश के स्टूडेंट हूँ, थोड़ा इंग्लिश आया जाएगा। तो सही मायने में खून होता क्या है, और हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि हमको कहा गया कि ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड मसल, तो उसको इतना स्पेशल क्यों बोलते हैं? सबने एक चीज तो सबको पता ही होगी कि ऑक्सीजन लेके जा रहा है हीमोग्लोबिन के साधन से, जिसके कारण हमारे शरीर में एनर्जी आती है। सर ये नहीं, सर मेरी पीडीएफ डालिएगा ना, मेरा प्रोजेक्ट डालिएगा ना, वो मैंने कौन सा दिया था आपने? व्हाट्सएप पे आपको भेजा था ना वो, अच्छा इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाले में था वो? नहीं, एक सेकंड सर, वो चलिए ठीक है बाद में भेज देंगे। तो खून को खून, अब हम आज पढ़ते खून होता क्या, खून बनता कहाँ पे है? खून बनता है बोन में, खून के कुछ पार्ट बनते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो होता है हड्डियां, जो लंबी हड्डियां अपनी शरीर की जो लंबी हड्डियां हैं उनके बीच में स्पंज जैसा कुछ तत्व है, उस तत्व के अंदर खून के कुछ सेल्स बनते हैं, और कुछ खून लिम्फ टिश्यू में बनता है, लिम्फोइड टिश्यू में बनता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन मेजरली खून, ये जो खून हड्डियों के बीच में, लंबी हड्डियों के बीच में एक स्पंज जैसा कुछ होता है, उसके अंदर खून के सेल बनते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों वहां पे बनते हैं, और जो प्लाज्मा होता है वो जनरली यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू में बनता है, दो जगह पे खून बनता है। और खून बनना कब शुरू होता है? खून बनना जब बच्चा 4 से 9 महीने का अपनी माँ के गर्भ में होता है, खून तब से बनना शुरू हो जाता है। लेकिन तब क्योंकि अपनी हड्डियां ही मजबूत नहीं है,
बोन मैरो बनी नहीं होती, तब खून बनता है अपना लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड और लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स पे, यहाँ पे पहले मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तब वहां बनता है, फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तब हमारा बोन मैरो सक्रिय हो जाता है और वहां पे खून बनना शुरू होता है। और खून की सबसे खास बात, खून को ऑक्सीजन देता है लंग्स, पंप करता है हार्ट, साफ करता है किडनी और उसको मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स डालता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक खून को ठीक से चलाने में चार ऑर्गन्स काम कर रहे हैं अपने, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि खून शरीर को एनर्जी देने में सबसे इम्पोर्टेंट काम खून करता है, तो उसको वो सही चले इसके लिए उसके लिए चार ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं अपने, और ये चारों ऑर्गन हमेशा काम कर रहे होते हैं ना, ये हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा। तो अगर खून को हम कभी आप लोगों ने छेना फाड़ते हुए देखा है, छेना फाड़ते हैं तो एक छेने का ऊपर वाला पार्ट आ जाता है और एक छेने में पानी बच जाता है, तो जैसे जो ऊपर वाला पार्ट आ जाता है वैसे ही अगर हम खून का बिलौना करें, एक मशीन आती है उसमें खून को डाल के ऐसे घुमाते हैं तो खून का बिलौना टाइप का कुछ होता है, तो ऊपर आ जाता है ब्लड सेल्स और नीचे आ जाता है प्लाज्मा। तो सेल्स तो सेल जैसे हो जाते, प्लाज्मा के पार्ट होते, प्लाज्मा में होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में होता है प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, और इनऑर्गेनिक में मिनरल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड ऑल दैट। और एक बहुत लंबी लिस्ट है जो बुक के पीछे दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं ये इसमें बाकी सब लिस्ट आप देखिए, लेकिन हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन पोर्शन ऑफ द सेल। प्रोटीन में होता है एल्ब्यूलिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। हम इसके बारे में पढ़ते हैं एल्ब्यूलिन और ग्लोबुलिन में। एल्ब्यूलिन वो होता है, अगर हम कोई चीज बनाएंगे तो उसको थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, एकदम पतला होगा तो फैलता जाएगा, तो ये एल्ब्यूलिन होता है 50-60% होता है। और ये है ना, ये लीवर में बनता है पहली बात तो, और इसका काम होता है ऑस्मेटिक प्रेशर और वेलोसिटी देने। ऑस्मेटिक प्रेशर से क्या होता है कि जो मिनरल, जो केमिकल होते, थोड़ा सा उनको पुश करना पड़ता है बाहर कि भाई थोड़ा घूम आगे चलो आगे चलो, नहीं तो वो टिक जाएंगे, तो वो ऑस्मेटिक प्रेशर बनाता है। और विस्कोसिटी होती है कि कहीं बेसन का घोल बना रहा पकौड़े बनाने के लिए, तो पकौड़े बनाने के लिए अगर घोल पतला होगा तो गिरेगा ज्यादा और पकौड़े बनेंगे नहीं, तो उसको एक प्रॉपर पर्टिकुलर थिकनेस चाहिए कि वो ठीक से चले। वैसे ही खून को एक पर्टिकुलर थिकनेस चाहिए, उस थिकनेस को मेंटेन करने में बहुत चीजें लगती है, उसमें एल्ब्यूलिन बड़ा काम करता है। ग्लोबुलिन के भी वही काम होता है कि एक कुछ भी चीज है खून में तो वो थोड़ी तो थिकनेस दे ही रहा खून को। और दूसरा ग्लोबुलिन के दो पार्ट होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन लीवर में बनता है, और ये लीवर में बनता है और ये सेल में जाके ऑक्सीजन से प्रोटीन, से ग्लोबो प्रोटीन और लिपो प्रोटीन बनते हैं, जो हम आगे देखेंगे उनके यूजेस हम करते धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हमको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। लेकिन ये गामा ग्लोबुलिन ये लीवर में नहीं बनता है, ये लिम्फोइड लिम्फोसाइट में बनता है। और इसका काम होता है जब कभी कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो एक पपड़ी जम जाती है अपने कटने के बाद, उसको फाइब्रिनोजन वो उसको उसको बनाने में उसको करने के लिए ये काम आता है। और ये एंटीबॉडी के लिए भी, एंटीबॉडी के जैसे भी यूज आता है। अभी फाइब्रिनोजन जनरली नहीं, ये तो उसमें आता है फाइब्रिनोजन, ये एंटीबॉडी बनाता है गामा ग्लोबुलिन, और ये फाइब्रिनोजन जो है ये कटे हुए को बंद करने में, जो अपने पपड़ी जम जाती है ना उनको रूट टाइप का कुछ बनता है उसको बनाने में कुछ काम ये भी करता है। तो ये हुआ, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। हम अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की, सबसे जरूरी चीज है। ब्लड सेल्स तीन तरीके के होते हैं मैम, ये जो वाला सीरम वाला बता दीजिए बस, केवल ये वाला लास्ट लाइन फाइब्रिनोजन वाला। हाँ ये वाला, क्योंकि हम लोग सीरम का टेस्ट करते हैं ना, तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। अच्छा फाइब्रिनोजन का बता दूं क्या, ये प्रोटीन होता है सबसे ठीक होता है, ये प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन सीरम, सीरम का सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, ये मेरे को नहीं पता था ये लिखा हुआ है इसमें। प्लाज्मा में से फाइब्रोजन निकल जाने के पश्चात
ऐसा हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो हम लोग सीरम टेस्ट करते हैं। तो सीरम टेस्ट करने के लिए क्यों होता है कि उसमें फाइब्रिनोजन जमाता है, जमाने का है ना। तो होता क्या है कि अगर रक्त आपका निकला और वो जम गया तो आपका टेस्ट हो नहीं पाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल लेते हैं, तो फिर वो जमता नहीं है, तो उसको वो सीरम बोलते हैं, और वही सीरम टेस्ट होता है। तो आप हमेशा ब्लड सीरम के टेस्ट होते हैं हमेशा। आप देखिए जो इसी किताब के पेज में लास्ट में लिखा हुआ है, तो सब में सीरम टेस्ट, सीरम टेस्ट, कोई प्लाज्मा टेस्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए। यस सब नहीं पता सर। ठीक है, तो ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड सेल तीन तरीके के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो ये तो कॉमन टर्म्स हैं जो हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीन ये अपने बायो के टर्म्स हैं, इनको हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट में कभी भी जनरली आता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, बट ये टर्म्स अब जैसे डॉक्टर बनने जा रहे तो वही टर्म्स पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं एरिथ्रोसाइट होता क्या है। एरिथ्रोसाइट का काम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट में होता है हीमोग्लोबिन। एरिथ्रोसाइट का स्ट्रक्चर बताती हूँ। एरिथ्रोसाइट में सबसे बड़ी बात, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये अंजीर, देखिए अंजीर पीछे से चिपकी हुई, ऊपर साइड से चौड़ी ऐसी होती है, अंजीर की शेप याद है, ऐसे होती है, अंदर सर्कल है, बीच में दबी हुई और चारों किनारे ट्यूब जैसे फूले हुए। ये ऐसी इसलिए होती है ताकि ये ज्यादा हीमोग्लोबिन को रख सके, और हीमोग्लोबिन को ज्यादा रख सके इसीलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस एक अच्छी जगह लेगा, उस जगह पे वो हीमोग्लोबिन डाल पाए, इसलिए उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका बनने में, इसको बनने में 9 दिन लगते हैं, और जैसे मैंने बताया था, ये पहले बताया कि ये बनता है बोन मैरो में, इसको बनने में 9 दिन लगते हैं, और इसकी लाइफ होती 120 दिन। 120 अच्छे से बताना बोलिए कि हमारे ब्लड सेल जब मरते हैं तो वो स्प्लीन के पास जाते हैं, जनरली सेल के डेथ के बाद वो स्प्लीन के पास जाते हैं, तो 120 दिन बाद ये स्प्लीन खूब सारा पानी पी लेता है और थोड़ा फूल जाता है। तो जब ये घूमते घूमते स्प्लीन के पास जाता है तो स्प्लीन को लगता है कि इस सेल में कुछ गड़बड़ है, तो वो सेल उसके सेल इस खून इस सेल को पकड़ लेती है, तो 120 दिन बाद वो खत्म हो जाए, उसको वो हो जाती है। हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे उसका वर्क करती है, लेकिन 120 दिन की इसकी लाइफ साइकिल होती है, अभी हम ये देख लेते हैं। और इसका देखा स्क्वायर मीटर है 120 से 140 मीटर माइक्रोन्स का है, और इसका इनर वॉल्यूम है 87 प्लस माइनस 7 है। सबसे जरूरी बात है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, बायफोन की होता है, 120 दिन की लाइफ होती है, 9 दिन में बनता है, बोन मैरो में बनता है, और बच्चा जैसे ही पैदा होता है बोन मैरो को बनाना शुरू कर देती है, जिंदगी भर बनाती रहती है, और इसमें हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का क्या होता है, हिम प्लस ग्लोबिन, दो पार्ट्स है हीमोग्लोबिन की, हिम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो हिम प्लस ग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और क्योंकि कुछ और भी चीज, तो पायरोल्स करके एक और चीज होती है, जो ये देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ पढ़िए, देखिए अगर आप एक हिम को हटा के देखिए, एक ग्लोबिन लिया हुआ है दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, इधर ग्लोबिन दिया हुआ है, इस ग्लोबिन मतलब ये जो बाकी ऑक्सीजन पायरोल पायरस, ये हिम का स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें देखिए 4-5 पायरोल के है, एक बार आप बस थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा बाद में हम बात करेंगे तब हम इसको पूरा डिटेल में समझाएंगे, अभी हम इतना बता रहे हैं। ग्लोबिन, हिम, पायरोल, ये चारों मिलके हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का काम हमको मैंने ही बताया कि ऑक्सीजन लेता है, एक ऑक्सीजन का लेवल होता है हीमोग्लोबिन में, वो सबसे जरूरी है। 100 मिलीलीटर ब्लड में 14 ग्राम प्लस माइनस 1, ये सेचुरेशन पॉइंट है हीमोग्लोबिन का। इससे एक दो ऊपर नीचे तक ठीक है, उसके नीचे आने से डॉक्टर्स बोलते हैं, हमको बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है, इंसान सांस फूलने लगेगा, उसको धीरे धीरे कुछ ना कुछ तकलीफें आने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर वो तकलीफें आने पड़ेगी। अब हम देखते हैं ये हीमोग्लोबिन का कैटाबॉलिज्म, ताकि हम देख पाए बीमारियां जो आरबीसी के कारण, कुछ कुछ बीमारियां, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ट्रीटमेंट करना है, आरबीसी की जो बीमारियां हैं उनको समझने के लिए हमको सबसे पहला समझना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन का होता क्या। अब 120 दिन बाद
जब वो सेल मरता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी खत्म होता है, तो कहाँ जाता है? स्प्लीन के पास। अब क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा कुछ है कि वो कुछ भी चीज को बर्बाद नहीं होने देता है, तो हीमोग्लोबिन में से क्या करता है, हिम को निकाल लेता है, हिम को आयरन में डाल के आयरन बना देता है, ग्लोबिन को निकालता है, प्रोटीन के स्टेरोसोमेस देता है, जब हमको वापस हीमोग्लोबिन आरबीसी बनाना होगा हमको, तुम चीज ले लेंगे हमको, अभी तो अपना इनको हमारे सामानों को संभाल के रखो। अब लेकिन दो तो चला गया, ऑक्सीजन हमने निकाल ही लिया है, तो ये ऑक्सीजन का रिडक्शन करके क्या बना, बिलीव। अब सुनिए, अब क्या होता है, पायरोल की जो चीज है ये हमारे शरीर को नहीं चाहिए, ये शरीर को हमको नहीं चाहिए, तो इसको हमको निकालना है। तो पायरोल को हम ऐसे ही नहीं निकाल पाते, पायरोल और पायरोल को क्या कर, पायरोल क्या होता है, बिली वर्डिन बन जाता है, जब ये सबसे निकलता है तो बिली वर्डिन बनता है, फिर जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब इसमें से ऑक्सीजन या तो ऑक्सीडेशन का दो तरीके होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन डालो उसे ऑक्सीजन निकालो या हाइड्रोजन डालो, मेरे हिसाब से ऑक्सीजन निकालते हैं तो ये बिलीरुबिन बन जाता है, और ये बिलीरुबिन थोड़ा पॉइजनस होता है, तो हम अगर शरीर में ऐसे ही चला गया तो पॉइजन फैल जाता है, तो बिलीरुबिन को रोकते हैं, भैया रुको यहीं पे स्क्रीन के पास रुकते हैं, कि ऐसे तुम शरीर में नहीं जा सकते हो। तो अभी बिलीरुबिन का करेंगे कैसे, तो बिलीरुबिन को लीवर तक ले जाने के लिए ब्लड में एक प्रोटीन प्लाज्मा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एल्ब्यूलिन के बारे में बताया था, एल्ब्यूलिन आता है, एल्ब्यूलिन में ये बिलीरुबिन डिसॉल्व होता है, मिलता है, और वो धीरे अच्छी से एकदम कि कहीं इधर उधर नीचे डाउन सिक्स तो लेके आता है लीवर के पास, और लीवर को बोलता है भाई अब इसको आप संभालिए, फिर लीवर उसके पास जाके वो ग्लूकोनिक एसिड, एक एसिड है लीवर के पास, उससे मिला के वो मिलता है चोले बिलीरुबिन। अभी चोले बिलीरुबिन में फिर जब बाइल मिलता है तो ये बनता है बाइल बिलीरुबिन, बाइल बाइल जूस में मिलके बाइल बन जाता है, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन होता है बिलीरुबिन का और बाकी तो बाइल खुद होता है, तो वो बाइल बन जाता है। अब ये बाइल जाके गोल ब्लैडर में, जैसे अगर लीवर ने 1000 ml बाइल बनाया है तो वो उसको रिडक्शन के लिए बहुत छोटा अमाउंट हम डाइजेशन में देखेंगे उसको, वो वहां पे स्टोर करके रखता है। अब फिर वो जब आगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें थोड़ा सा बता देती हूँ बस ज्यादा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे उसको पूरा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको यूज आता है एल्कलाइन फूड को, ये एसिडिक एल्कलाइन होता है, कहीं से एसिडिक फूड आता है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है, तो बेसिकली ये हमारा प्रोसेस है। फिर वो लीवर में जाके अपने ये स्टूल के जैसे निकल जाता है, या फिर कुछ जो बिलीवर्डिन बिलीरुबिन बच जाता है वो खून में भी चला जाता है, तो किडनी के थ्रू हमारे यूरिन से निकल जाता है, जो अपने खून पेशाब में हल्का सा पीला कलर आता है, और जो हमारे स्टूल में येलो गोल्डनिश येलो कलर आता है वो बिलीरुबिन के प्रेजेंस के कारण आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस के 3 तरीके होते हैं, और ये जॉन्डिस ये हीमोग्लोबिन के कैटाबॉलिज्म के कारण जनरली होता है, 99% वही होता है। अब हम पढ़ते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस के होते 3 तरीके, प्री हेपेटिक, हेपेटिक, जब हेपेटिक वर्ड आ जाए तो एकदम दिमाग में घंटी बजा लेना, हेपेटिक है मतलब लीवर आ गया है, हेपेटिक मतलब लीवर, कार्डिक मतलब हार्ट, तो हेपेटिक मतलब लीवर, तो लीवर को प्री मतलब पहले, प्री हेपेटिक मतलब लीवर से पहले कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हेपेटिक मतलब लीवर में कुछ गड़बड़ है, पोस्ट हेपेटिक मतलब लीवर के बाद कुछ गड़बड़ है। अब हम देखते क्या क्या होता है, हमने देखा कि कैसे बिलीरुबिन नॉर्मल प्रोसेस में कैसे बिलीरुबिन शरीर से निकला, अब बिलीरुबिन नहीं निकल पाए तो क्या होगा, वो शरीर में जैसे मैंने कहा ब्लड को कुछ ही चीजें चाहिए, उसके अलावा क्या करें, बिलीरुबिन ब्लड में चला जाएगा, बिलीरुबिन ब्लड में जाता तो हमारे शरीर में पूरे शरीर में घूमता है, तो हमारी आंखें पीली होती है, नाखून पीले होते हैं, सब कुछ पीला पीला होने लगता है, ये बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन जो हमारे शरीर में धीरे धीरे घूमने लगा। अब ये बिलीरुबिन घूमने क्यों लगता है, इसके लिए बोलते हैं प्री हेपेटिक होता है कि लीवर तक बात पहुंची नहीं है, तकलीफ उससे पहले ही हो गई है, सपोज करो उससे पहले कुछ कभी स्नेक बाइट या कुछ पॉइजनिंग के कारण आज आरबीसी या एरिथ्रोसाइट ज्यादा मरने लग गए, या स्प्लीन बीमार है, स्प्लीन में इंफेक्शन हो गया है तो ज्यादा एरिथ्रोसाइट को कैप्चर कर रहा है और ज्यादा बिलीवर्डिन बना रहा है। अब ज्यादा बिलीवर्डिन बना रहा है, लीवर की भी कैपेसिटी है,
तो उतनी कैपेसिटी में बिलीरुबिन को बिलीरुबिन बना के अपने गोल लेवल तक पहुंचा रहा है, जो एक्स्ट्रा बिलीरुबिन हो रहा है वो किसी ना किसी कारण से खून में मिलता जा रहा है और वो हमारे को जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम दे रही है। तो इसको बोलते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस। जब लीवर तक नहीं बात पहुंची, लीवर पे पहले कोई तकलीफ आने के कारण ये आया है, तो उसको बोलते हैं प्री हेपेटिक। हेपेटिक जॉन्डिस जब लीवर में सूजन आ गई है या लीवर से जहां से बिलीरुबिन निकलना बिलीरुबिन निकलना था, बाइल निकलना था, वो नहीं निकल पा रहा है, तो फिर क्या होता है? वही चीज अब यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है बाइल, अब कहीं तो वो जाएगा, वो धीरे धीरे खून में मिलने लग जाता थोड़ा थोड़ा, और वो खून के थ्रू जाने लगता है, दैट इज हेपेटिक। इसको हम एक और नाम देते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का नाम हमने सुना होगा बहुत बार, एक बीमारी जिसका वैक्सीन भी लगता है, हेपेटाइटिस बी का या ए का कोई वैक्सीन लगता है। तो ये होती है कि बिकॉज लीवर में कुछ तकलीफ है, वो बाइल जाके बाहर नहीं निकलने की जगह खून में निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं हेपेटिक। अब पोस्ट हेपेटिक क्या होता है कि सपोज करो लीवर ने भी अपना काम कर दिया, बाइल को नीचे भेज दिया, गोल ब्लैडर की डक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, उधर कोई स्टोन हो जाता है, जनरली गोल ब्लैडर में स्टोन के बारे में हमने सब दिन सुना ही होगा, गोल ब्लैडर की डक्ट में स्टोन आ गए हो या लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो किसी कारण से, अब वो स्टूल में नहीं जाके वापस से किसी कारण से खून में जा रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अब उनके सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर सपोज करो अगर प्री हेपेटिक है तब तक तो प्री कप में है ना यूरिन के कलर, जनरली हमको इनका पता जब यूरिन के कलर और स्टूल के कलर को देख के पता चलता है। प्री हेपेटिक है तो यूरिन का कलर भी सही होगा क्योंकि यूरिन का ज्यादा कलर हो जाएगा और स्टूल का कलर सही रहेगा, क्योंकि यूरिन में जो वो बाइल ज्यादा निकलने लगा है क्योंकि किडनी ज्यादा निकालने लगेगी, ब्लड में ज्यादा ब्लड कहाँ फिल्टर हो रहा है किडनी में, तो किडनी ज्यादा बाइल निकालने लगेगी, तो वहां पे बाइल में हमको ज्यादा कलर दिखेगा पीला। जनरली पेशाब में हमेशा क्योंकि कहीं पे भी खून दूसरा अगर बाइल कहीं से निकल रहा है तो यूरिन से निकल रहा है, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी उसके बाद वहां से नहीं निकल रहा तो यूरिन का कलर डार्क ब्लू हो जाएगा, लेकिन इसमें स्टूल का कलर भी नॉर्मल रहेगा क्योंकि जितना निकालना उतना बिलीरुबिन तो निकाल ही रहेगी लीवर भी, तो दोनों की कलर नॉर्मल होते हैं लेकिन शरीर पीला पड़ने लगता है। पोस्ट हेपेटिक में स्टूल का कलर थोड़ा क्लेश हो जाएगा क्योंकि बाइल उतना निकल नहीं पा रहा है। प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक समय सही बता रही थी ना, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में स्टूल के कलर में कलर क्लियर हो जाएगा, गोल्ड येलोइश कलर चला जाएगा क्योंकि बाइल आगे कम जा पा रहा है, इससे हमको थोड़ा पता चलता है। अब बाकी हम देखते हैं बाकी बीमारियां, आरबीसी से इससे पहले किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लो, कहीं पे कुछ हो तो मैं 2 मिनट रुकती हूँ या फिर थम्स अप दे दो कि सबको आ गया तो बता दो कि आ गया तो मैं आगे पढ़ू, समझिए। चलिए तो अब हम आगे देखें एनीमिया। एनीमिया का हमने सुना तो होगा नाम, एनीमिया जनरली कोई इंसान थकने लगता तो भैया इसको एनीमिया हो गया, चलते चलते थक रहा है, सांस फूल रही है, तो हमको लगता है एनेमिक है। एनीमिक का हम लोग को लगता है कि खून की कमी, एक्चुअली खून की कमी सही मायने में एनीमिया नहीं होता, कुछ तकलीफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी से एरिथ्रोसाइट से हो रही है तो वो एनीमिया होता है, क्योंकि एनीमिया में एनीमिया का सबसे बड़ा रीजन ऑक्सीजन कम जा रहा है शरीर में किसी ना किसी कारण से, इसलिए उसका सांस फूल रहा है, इसलिए वो थक रहा है, तो एनीमिया का मतलब एरिथ्रोसाइट में कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ आ रही। अब हम देखते हैं क्या क्या तकलीफें आती है। देखिए पहली बात होती है कि या पहला सीजन होता है कि क्या पता एरिथ्रोसाइट भी कम बनने लग गए हो किसी कारण से, आयरन का एरिथ्रोसाइट को आपने देखा प्रोटीन और आयरन चाहिए, आयरन शरीर में कम है तो एरिथ्रोसाइट कम बनेंगे, एरिथ्रोसाइट कम बनेंगे तो खून कम जाएगा, तो अल्टीमेटली साइकिल है तो खून एरिथ्रोसाइट कम बन रहा है, या फिर एरिथ्रोसाइट ज्यादा मर रहे हैं, स्प्लीन में इंफेक्शन है वो ज्यादा कैप्चर करने लगी जैसे हमने अभी देखा ही था, तो वो ज्यादा हो रहा है तो फिर वापस से वो तो अल्टीमेटली कम हो गया खून में तो उसके कारण होता है, और या फिर हीमोग्लोबिन सही नहीं बन रहा है,
हीमोग्लोबिन में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई है, इसके कारण हो रहा है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में देखते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या? एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि खून में न्यूट्रिएंट्स देता है लार्ज इंटेस्टाइन, हमने देखा था भाई। लेकिन तभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बहुत सारे बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, क्योंकि खून को डाइजेस्ट करने में वो बहुत काम आते हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ बैक्टीरिया सर वो उसकी स्किन पर चिपक जाते हैं और वो क्या खून को, अपने खून को खा लेते हैं, तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो ये जो लिखा हुकवर्म इन्फेक्शन, हमने सुना है ना पेट में कीड़ा होना, तो वो क्या हमारा खाना वो खा जाते हैं, तो हमारे खून की बनाने के लिए हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो एक कारण वो होता है कि न्यूट्रिएंट्स कम मिले तो नहीं माल न्यूट्रिशन होता है। सॉरी सर एक कॉल भूल से उठ गया था। तो और माल न्यूट्रिशन होता है जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, कोई हम या तो व्रत कर रहे हैं या हम खाना डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, हम जंक पे ज्यादा चले गए हैं, इन सब कारणों से हमारा खून बनना, क्योंकि जो हमारे को खाने को बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो हमारे शरीर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो माल न्यूट्रिशन हो जाता है। दो कारण से हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अब एक और चीज होती है, कभी कभी इसी कारण से अचानक से खून की कमी हो जाती है, आयरन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाए, तो इसमें उस टाइम पे या फिर कभी कभी क्या होता है किसी कारण से कुछ तकलीफ आती है और आयरन क्या होता है स्प्लीन या लीवर में स्टोर हो जाता है, उसके कारण से भी क्या होता है, अब जब आयरन स्टोर हो रहा है तो हम वो ऐसा स्टोर हो रहा है कि हमको खून बनाने के लिए मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसका आयरन की कमी आने लगेगी शरीर में, क्योंकि आयरन बन ही नहीं रहेगा, तो आयरन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो खून एनीमिया आने लगेगा, तो इसको बोलते हैं होमोसाइड्रोसिस। और इसमें क्या दिखाएंगे कि ब्लड रिपोर्ट में ये चीजें दिखाएंगे, अगर अब मैं पढ़ देती हूँ एक बार आप देख लीजिए या आप खुद पढ़ लीजिए क्योंकि मेरे पास तो इंग्लिश में है। साइज छोटा हो जाएगा, कभी कभी साइज छोटा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम जाएगा, हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन कम हो गया। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एरिथ्रोसाइट में होल होने लग जाता है छोटा छोटा सा, वो उसको पूछे पिक्चर्ड सेल, वो भी कभी कभी हो जाता है उसके कारण से भी, क्योंकि वो छेद हो गया तो हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, उसके कारण भी हो जाता है। और ये अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है तो हमारे है ना नाखूनों का शेप चेंज हो जाएगा थोड़े दिन में, वो हम लोग को पता चलता है, नाखून से लीवर का भी पता चलता है, इसका भी पता चलता है, नाखूनों का ध्यान रखिए सब कुछ पता चल जाता है, ये डायग्नोस के लिए बहुत यूज आता है नाखून और आंखें बहुत यूज आती है। अब पेरिशियस एनीमा देखते हैं क्या होता है। पेरिशियस एनीमा में क्या होता है कि हमारी हमारा जो जब डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक चीज होती है, स्टमक में कुछ गैस बनती है जिससे एक बनता है कौन एक बैक्टीरिया बनता है, वो याद नहीं आ रहा नाम, उस वो हमारे ना खून को बनाने में हेल्प करता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, वो नहीं उसको इंट्रिंसिक फैक्टर ही बोलते हैं वैसे, हाँ आईए फैक्टर बोलते हैं उसको, उसके कारण से हमारा हाँ इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर दो होते हैं, एक ब्रेन के लिए और एक इसके लिए, हाँ तो उससे हमारा खून बनाने में हमको हेल्प करता है। कभी कभी हमारे स्टमक में वो इंट्रिंसिक फैक्टर कम करने लग जाता है या हम पड़े के डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा पूरे डिटेल में, उसके कारण हमारा खून कम बनता है, और जब खून कम बनेगा तो आरबीसी कम बनेंगे, आरबीसी कम बनेंगे तो हमको एनीमिया हो जाएगा। और एक होता है कि साइज नॉर्मल है एरिथ्रोसाइट का साइज नॉर्मल, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन की स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो गई है तो भी हमको होएगा। और कभी कभी एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस आ जाता है, किसी किसी एरिथ्रोसाइट में अगर न्यूक्लियस आ गया तो हीमोग्लोबिन की जगह कम, तो हीमोग्लोबिन कम जा रहा है शरीर में तो हमको एनीमिया होएगा, क्योंकि एनीमिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, तो उसके कारण और एरिथ्रोसाइट्स की कमी होएगी शरीर में तब तो हाई एनीमिया होगा। और कभी कभी एरिथ्रोसाइट्स की जिंदगी का टाइम कम हो जाता है, 120 दिन बाद जो मरना है वो जल्दी मरने लग जाता है, वो हमने पहले भी देखा, कभी कभी स्किन के कारण भी हो सकता है, कभी कभी हमारा जो बोन मैरो में भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी उसके कारण भी बोन मैरो डिफेक्टिव एनी वो बहुत प्रॉपर वो एरिथ्रोसाइट बनाती नहीं, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, तो वो जल्दी मरने लगते हैं।
मैच्योरिटी नहीं हो पाते, तो उसके कारण से भी ये सब चीजें आती है। अब देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का जनरली इफेक्ट होता है बोन मैरो में। बोन मैरो अगर गड़बड़ कर रही है तो फिर उनको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और वो होता है रीजन, उनके रीजन होते हैं ये रेडिएशन हो जाए, और ये सब लिखा हुआ है, आप ये देख लेना अगर कुछ हो तो, फिर दो मिनट आप देख लीजिए, मैं तो भी इंग्लिश में। बेंजोइड टॉक्सिक्स रबड़ और उनकी प्लांट, मतलब बेसिकली कुछ तरीके का केमिकल रिएक्शन या कुछ हमारी रेडिएशन आती है हमारे शरीर में, जिसके कारण हमें बोन मैरो को दिया सेल बनने में तकलीफ हो जाती है रेडिएशन वगैरह से, इसके कारण से हमको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और हमारे ब्लड टेस्ट में क्या दिखाएंगे वो देख वो है, आप लोग देख लो, कुछ हो तो बताओ, कुछ लो हमें ये समझ, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो दूसरा वाला पर्निशियस एनीमिया ये बहुत आता है, ये स्पेशली जो है हमेशा पूछा जाता है कि पर्निशियस एनीमिया क्या है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, अभी आप लोग उसमें भी पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूट्रोफिक फैक्टर दो फैक्टर होते हैं, ये एससीएल मिलते हैं। तो होता क्या, कभी कभी आपका जो एससीएल क्रिएट तो हो रहा है, बन रहा है, सब कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, दो तरह के फैक्टर हैं, एक आपके बोन मैरो के लिए, बोन मैरो में आरबीसी वगैरह बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर कहलाता है, और एक होता है न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो ब्रेन के सेल्स में उनके रिपेयरिंग प्रोसेस में बहुत काम देता है। तो अगर दोनों नहीं होंगे, अब आप मान लीजिए एससीएल में दोनों चीजें नहीं हुई, तो दो काम क्या होगा, एक तो ये आपका होगा कि आपको एनीमिया होगी, क्योंकि उसमें जो है ग्लोबुलिन वाला बोन मैरो में नहीं बन पा रहा है, तो आगे क्या बनेगा, और दूसरा क्या होगा कि ब्रेन में प्रॉब्लम्स आएंगी आपको समझने में, क्योंकि रिपेयरिंग अगर नहीं हो रही है तो वो सेल डैमेज होने लगेगा, या आपको माइलिन शीथ डैमेज हो गई तो भी आपका जो है जो आपका क्या कहते हैं मूवमेंट होगा करंट का, वो मूवमेंट ठीक नहीं होगा, तो कम समझदारी कमी हो सकती है। ये फैक्टर ये नॉर्मली जो है, ये देखिए एकेडमिक्स का है, ये पॉइंट याद हमेशा होना चाहिए, ऐसे मामले हो सकता है लाखों में हो या हजारों में एक हो, लेकिन ये अगर थ्योरी का पॉइंट है तो कभी कभी एससीएल का परीक्षण, क्योंकि नॉर्मली कभी आपने एससीएल का परीक्षण सुना नहीं होगा, नॉर्मली नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये वाला करना पड़ता है, लोग समझते हैं कि अरे वो ये उसकी वजह से होगा, आपको पोषण होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन है ये सब, लेकिन इस पर ध्यान कम जाता है, लेकिन ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज नोन एज पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, फिर उसके बाद सर, जी सर, ये जो पेज नंबर 20 में सेकंड नंबर है नीचे से, बेंजीन टॉक्सिसिटी, इसका रबर बोन्स और रेजिन के घुलनशील बनाने हेतु होता है। सर, बॉडी के अंदर हम ब्लड पढ़ रहे हैं, तो ब्लड में ये रबर गोंद रेजिन ये घुलनशील जितने भी है एलिमेंट्री ब्लड में कैसे पहुंच गए? ये ब्लड में नहीं, मैं बताऊं सर, ये ब्लड में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हम इन केमिकल्स के बीच में काम कर रहे होते हैं, तो हमारे सांस के थ्रू या हमारे हम जब सांस ले रहे तो उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे धीरे धीरे हाथों से, मतलब वही क्योंकि स्किन भी थोड़े से उसमें पोर्स है, इनके थ्रू हमारे शरीर में घुस जाते हैं और वो अल्टीमेटली जाके हमारे शरीर को तकलीफ देने लगते हैं। ये सीधे ब्लड में तो कोई भी चीज नहीं जाती है, वो कोई ना कोई खाना खाते हैं वो बनता है ब्लड, तो सीधे तो ब्लड नहीं जा रहा, वैसे सीधे नहीं जाते, सांस है, स्किन की पोर्स है। जनरली देखा करो, हमेशा ग्लव्स बना के काम करवाते हैं उन लोगों को, जहाँ पे भी टॉक्सिन चीजें यूज होती तो बोलते हैं, वो भी मोटे वाले ग्लव्स पहनाते हैं कि भैया कुछ नहीं हो, फिर भी इतनी आप पूरे दिन कहीं पे हो कुछ तो जाएगा उसमें, इसलिए उसके कारण से ज्यादा तकलीफें हो जाती है। केमिकल फैक्ट्रीज में आपने कभी देखा हो जूते पहनने के बावजूद कभी कभी क्या होता है, क्योंकि कभी जूते उतारेंगे उनके पूरे पैरों में नीचे इतने इतने बड़े छेद हो जाते हैं, छेद आपने देखे, मैंने देखे छेद कम से कम दो दो सेंटीमीटर के छेद, कैन यू इमेजिन, छेदों से भरा हुआ पूरा नीचे वाला तलुआ, वो ये सब तो नेचुरली कहीं बॉडी में जा रहा है ना, तो दैट इज देयर। ठीक मैम, वेरी गुड, आगे बढ़े हम ल्यूकोसाइट्स पे चले,
हाँ आगे बोलिए, कोई एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है सब समझ आया तब तो आगे चलते हैं। न्यूकोसाइट जो होते हैं हमने पढ़ के तीन तरीके, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोस। अब एक चीज सबसे जरूरी चीज बीच में हम भूल गए चीज बताना कि अगर हम जो मैं हमने बताया था प्लाज्मा सेल, ब्लड दो तरीके से बना है प्लाज्मा और सेल, तो अगर हम देखेंगे तो सेल में प्लाज्मा का पोर्शन होता है 52 to 58% और सेल का पोर्शन होता है 42 to 48%। ठीक है, इसमें से भी 42 to 48 में 1% ऑनली मिलता प्लाज्मा, वो क्या कहते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स को, मतलब आरबीसी और प्लेटलेट्स को ओनली 1% मिलता है, बाकी पूरा पोर्शन आरबीसी खा जाता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ओनली 1% मिलता है, डब्ल्यूबीसी पूरा, वो आरबीसी पूरा ले लेता है क्योंकि आरबीसी सबसे जरूरी चीज है, और इन दोनों को मिला के 1% उसमें भी ल्यूकोसाइट ज्यादा लेता है फिर थ्रोम्बोसाइट लेता है। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी, हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं बातें बता दूंगी। और इसका ल्यूकोसाइट का काम क्या था, हमने देखा आरबीसी का काम क्या था, ऑक्सीजन ले जाना इमीडिएटली और न्यूट्रिएंट्स ले जाना। अब डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे शरीर की रक्षा करना, दूसरे बाहर से जो एंजाइम्स आ रहे हैं, जो तकलीफें दे, मतलब कुछ भी बीमारियां आए उनसे हमारे शरीर को बचा के रखना डब्ल्यूबीसी का काम होता है, बेसिकली इम्यूनिटी जनरेट करना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। डब्ल्यूबीसी के तीन तरीके होते हैं, नहीं पांच तरीके होते हैं, डब्ल्यूबीसी के पांच तरीके के डब्ल्यूसीबीस होते हैं, तीन होता है, तीन जिसको भी दो भाग में रख दिया, तीन और दो। तीन के जो सेल होते हैं, हमने सेल में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में वो होता है ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो तीन में ग्रेन्यूल्स हैं और दो में ग्रेन्यूल्स नहीं है, इस बेस पे इसको दो भाग में बांटा है। आगे हम देखेंगे एक दो भाग एक और तरीका है, लेकिन बेसिकली जो बेंडल है वो तीन, ये इसमें ग्रेन्यूल्स और दो में ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो हम पहले ग्रेन्यूलर डब्ल्यूबीसी देखते हैं। ग्रेन्यूल एक समझ लो, ये डब्ल्यूबीसी हमारी सेना है जो हमारे शरीर को बचाती, जब भी कोई लड़ाई होगी ये आ जाएगी लड़ने। अब कौन कौन हमारी सेना तीन तरीके की होती है, जल पर, धरती पे लड़ने के लिए आकाश में, शिप और वायु, वायु और पानी, ऐसे ही इसके भी अलग अलग बना दिए भैया, ये तकलीफ हो तो तुम आओ, ये तकलीफ है तो तुम आओ, सब एक साथ नहीं आती है। तो सबसे पहले होती है, सबसे होती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा वर्क करती है इन्फेक्शन पे सबसे, और इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ होते हैं, हमारी सांस की नली और हमारी खून हमारे खाने की नली में। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपोज है, हम कुछ भी चीज अंदर कहाँ से लेते हैं, अगर हम सबसे ज्यादा अंदर कोई चीज ले रहे हैं तो हम सांस अंदर ले रहे हैं या हम खाना अंदर ले रहे हैं, तो इन्फेक्शन जाने का सबसे बड़ा साधन ये दो होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मिली जाती है। और इसका होता है ये 50 to 70% होती है अपने ल्यूकोसाइट्स की, क्योंकि इन्फेक्शन सबसे बड़ी तकलीफ देते हैं। यह होती है ये थ्री लोब्ड होती है, और इसके ग्रेन्यूल्स में जो होता है ना उसमें एक होता है एंजाइम जो गल्फ करता है शरीर को, है वो जो खा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, ल्यूको लाइजोम्स लिखा हुआ है ना, लाइजोम्स तो हमने पहले पढ़ा भी था, लाइजोम उसका लाइजोम्स ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर गलत आएगी तो उसको खा जाएगा, तो इसलिए ये हमारी इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा काम ये करती है ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेना इन्फेक्शन में लड़ती लड़ती सेना थक जाती है, अगर इन्फेक्शन होगा तो हम इसकी काउंट को ज्यादा देखेंगे, लेकिन कभी कभी इसकी काउंट बहुत कम भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लड़ते लड़ते ज्यादा देर इन्फेक्शन रहा और ये इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाई, या तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, और अगर ये लड़ नहीं पा रही तो हो सकता है धीरे धीरे इसकी काउंट भी कम हो जाएगी। इसमें बीमारियां भी नहीं है, टाइफॉइड मिसाइल्स और इन्फ्लुएंजा में इसकी काउंट धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि इस इन्फेक्शन को ज्यादा दिन तक लड़ नहीं पाती तो धीरे धीरे अपनी सेना भी कम होने लगती है। ठीक है, और इसकी लाइफ है ना 13 से 16 दिन। ठीक है, अब हम देखते हैं इज़नोफिल्स का काम क्या होता है, और इज़नोफिल्स वर्क करती है एलर्जीज पे, एलर्जियां कभी हो जाए कोई चीज से तो ये इज़नोफिल, तो ये ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा होती है इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं,
हमारे को गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन में होते हैं, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने में शायद मेरे को याद नहीं आता हजार या लाखों बहुत तरीके के एंजाइम्स यूज हो रहे हैं हमारी इसको खाने को डाइजेस्ट करने में। खाना डाइजेस्ट करना बहुत बड़ा प्रोसेस है हमारे शरीर का, तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो इसमें ये इधर ये सबसे ज्यादा होती है, और इसका होती है ऐसे लोग इसका न्यूक्लियस राउंड शेप होता है। अब हम देखते हैं तीसरा बेसोफिल। बेसोफिल क्या करती है? बेसोफिल का काम होता है रिपेयर करने का। अगर सेल में इंजरीज भी होती है शरीर में, सेल में इंजरीज भी होती है शरीर में, तो जब कहीं कोई इंजरीज होगी, कभी कुछ होएगा, तो ये बेसोफिल अपना काम करती है। तो बेसोफिल का काम बहुत कम होता है, 0.5 to 1%, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो उसकी जरूरत ही नहीं होती ना। जब कुछ होता है तो अपना अकाउंट बढ़ाती है, और फिर ये बढ़ के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर ये जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वापस अपना अकाउंट कम कर देती है। सबका यही रूल है, अपना काम करें करना होगा तो अपना अकाउंट बढ़ाएगी, फिर धीरे 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 अपना अकाउंट वापस कम करके नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अभी तक कुछ पूछना? अब दो ल्यूकोसाइट्स और होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, वो होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मैम ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आप समझ लीजिए, उसने फिल लिखा हुआ है, देखिए हाँ, समझ लीजिए कि फिल लिखा है तो ग्रेन्यूल्स है, साइट लिखा हुआ तो ग्रेन्यूल्स नहीं है। ये लेकिन हमेशा के लिए अगर फिल कभी भी कहीं लिखा है तो आप समझो कहीं ना कहीं कुछ ग्रेन्यूल्स आए हैं साइटोप्लाज्म में, इसलिए फिल लिखा है। और साइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होती है जैसे हमारे सेल के अंदर वो होता था ना राइबोसोम, वैसे ये है कि खून में कुछ भी कुछ डेड सेल है, कुछ भी है, अब गंदगी बच गई तो उसको खत्म करने का, खून को अंदर के अंदर साफ करने का, मेन साफ करने का हम किडनी का, लेकिन खून के अंदर एक मैकेनिज्म है डेट इज मोनोसाइट, जो अपने बैक्टीरिया को खुद भी खत्म कर देता है कि कोई गंदगी डेड सेल इधर उधर घूम रहा है तो उनको वो मोनोसाइट खत्म कर देता है, तो इसको बोलते हैं स्वीपर सेल, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्वीपर सेल। और इसका इसकी लाइफ टाइम है 10 to 20 days। अब होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती है? सबसे जरूरी चीज ये होती है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने, इम्यूनिटी के लिए जो काम करती है वो होती है लिम्फोसाइट्स। ये बनती है बोन मैरो, ये लिम्फोइड सिस्टम जो है वो हमारी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा, मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में काम करता है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। तो अगर कोई चीज लिम्फ में बन रही है तो ये दिमाग में डालोगे लिम्फ कुछ कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी या हमारे इन्फेक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ काम करेगा ही करेगा। स्लीन एक सबसे बड़ा लिम्फॉइड टिश्यू है, और वो खून के लिए ज्यादा काम करता है, वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करेगा। लिम्फ है तो लिम्फ इम्यूनिटी है, तो ये लिम्फॉइड टिश्यू से बनते हैं। ये बन के दो तरीके के बन, ये बनते हैं कुछ जाते हैं लीवर के पास और कुछ चले जाते हैं थाइमस के पास। थाइमस एक अपना एक ग्लैंड है जो अपने दोनों लंग्स के बीच में एक छोटा सा ग्लैंड है। ये कहते हैं कि 14 साल तक तो बहुत बच्चे के 14 साल तक बहुत एक्टिव रहता है, अब बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत हेल्प कर रहा होता है। 14 साल बाद धीरे धीरे वो एकदम सिकुड़ के छोटा सा ग्लैंड बन के हार्ट में लंग्स के बीच में कहीं पे रहता है। लेकिन कुछ यहाँ पे जो सेल्स जाते हैं ये टी सेल्स बन जाते हैं, और जो लीवर में जाते हैं वो बी सेल बनते हैं। और ये टी सेल और बी सेल अपनी इम्यूनिटी में काम करते हैं। अब इसको समझना होगा कि टी सेल और बी सेल काम कैसे करते हैं। जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो जो थाइमस ग्लैंड से आ रहे होते हैं सेल, वो जैसे ही दिखते हैं कि कोई बैक्टीरिया कुछ इन्फेक्शन हमारे शरीर में आया है या पैथोजन हमारे शरीर में आया है, पैथोजन मींस एंटीबॉडीज या कुछ भी आप समझो जो हमको नहीं चाहिए हमारे शरीर में, वो आएगा तो फटाक से अपनी अपने आप को लग जाएगा उसको खत्म करने में, कैसे भी खत्म करेगा वो, उसको मारने के लिए युद्ध में घुस जाएगा। लेकिन ये बी सेल्स होते हैं,
ये पहले उसको पढ़ते कि ये है क्या सेल, फिर वो उसके साथ उसका हिसाब से उसका कुछ बनाते हैं, अपने आप को कुछ मॉडिफाई करेंगे, फिर वो जो पैथोजेंस आए हैं उनकी मेम्ब्रेन से चिपक जाएंगे, फिर उसके थ्रू उनका या तो फंक्शनिंग कम कर देंगे या उनको खत्म कर देते हैं। तो ये है। और अब सर आपको कुछ ऐड करना है सर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। नहीं, इसी में इम्यूनोलॉजिकल वाले रिएक्शन में ही इसमें थोड़ा कर दे वाला। देखिए ऐसा है, वो तो आप आगे हैं हैं, ये मेरे साथ आगे है। हाँ, जो आप बता रही थी उसको नहीं बताया, जो आप बता रही थी हाँ हाँ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, इसको मैंने खोल दिया है। हाँ, ये मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता। हाँ मैं बता रहा हूँ, बता दूं? हाँ सर प्लीज आप ऐड करिए, मैं भी सुन रही हूँ। देखिए ऐसा है कि जब आपके माँ के गर्भ में है तो उसी समय ये सब बन रहे हैं सारे, आपके बोन मैरो मैडम ने बताया कि ये बनना शुरू हो जाते हैं और उसी समय। तो क्या होता है, नेचर अपने को पहले से तैयार करता है, तैयारी बहुत बढ़िया करता है। तो नेचर ने क्या तैयार किया कि जैसे ये बनना शुरू हुए तो उनको ये हुआ कि भविष्य में कभी कोई ऐसा रोग आए तो उसके लिए हमको तैयारी आज करनी है। देखिए योजना, जैसे योजना हम बनाते हैं ऐसी योजना पहले से ईश्वर ने प्रकृति में बना रखी है। तो ये क्या करते हैं, दो ये सारे जो वहाँ के लिम्फेटिक अरे क्या कहते हैं लिम्फोसाइट होते हैं, तो ये लिम्फोसाइट चले जाते हैं दो जगह, एक चले जाते हैं थाइमस में और एक चले जाते हैं लीवर में। तो वहां इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में इनको ये सिखाया जाता है कि अगर ऐसे आए तो ऐसे कर दीजिए, ये आए तो ये कर दीजिए। तो ये ट्रेन हो जाते हैं जैसे उसी तरह जैसे हमारे डिफेंस में ट्रेनिंग होती है। तो डिफेंस के ट्रेन कहलाते हैं, कोई कहलाता है उसमें कमांडो, कोई कहलाता है सेना के बड़े विशेष कमांडो। तो ऐसे ही ये लोग ट्रेन हो जाते हैं, ट्रेनिंग उनकी मिल गई ट्रेनिंग। तो जो थाइमस में गए तो उनको नेचुरली टी लिम्फोसाइट, टी से थाइमस कहा जाएगा। बी लिम्फोसाइट नाम इसलिए दिया गया कि लीवर वैसे तो है लेकिन पहली बार इसकी खोज जो हुई थी बरसा, मतलब बरसा एक बॉडी का ऑर्गन था जो बर्ड्स में पाया जाता था। तो पहली बार इसको खोज जो हुई तो बी, तो वहां पर बरसा चूंकि अंग में था इसलिए बर्ड्स में पाया गया था। तो पहले पास उसके हमारे पास उसी का आइडेंटिकल हमारे पास जो अंग है वो लीवर है, तो वहां बरसा, तो बी लिम्फोसाइट कह दिया गया। अब बाद में वैज्ञानिकों ने इसका नाम नहीं चेंज किया, जैसे पुराने नाम जिसने रख दिया था तो उसको आदर सम्मान देने के लिए बी लिम्फोसाइट ही कहा गया। अब ये आए, ट्रेंड है, ट्रेंड होने के बाद आए और अपनी अपनी चौकियों में चले गए। कैसे चौकी, हमारे पास क्या है, बोन मैरो, हमारे पास चौकी है बोन मैरो, हमारे ऐसे जैसे पुलिस की चौकी है ऐसे बोन मैरो चौकी है। दूसरी चौकी कौन हमारे पास है, ये लिम्फ नोड्स। तो ये जहां जहां हुआ, तो यानी बोन मैरो में भी आपको टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दोनों मिल सकते हैं और आपको इसी तरह लिम्फ टिश्यू में भी आपको दोनों मिल सकते हैं। अब चलिए, अब दुश्मन दुश्मन कौन हमारा, हमारे शरीर में जो काम कर रहे हैं तो बाहर से जो आ रहा है वो एंटीजन कहलाता है, हमारा बाहर से आया जो एंटीजन कहलाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जो फॉरेन बैक्टीरिया, कोई भी आया बैक्टीरिया वायरस जीवाणु कीटाणु कुछ भी आया तो उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। तो वो एंटीजन आया, अब उस एंटीजन ने आया, उसने देखा तो हमारा शरीर का जो डिफेंसिव सिस्टम है, सब हमारे सिपाही सब जगह घूम रहे हैं, पूरे रक्त में घूम रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी आया जो हमारी तरह का नहीं है। हम सबको मालूम है, उनको मालूम है कि लिम्फोसाइट ऐसे होगा, मोनोसाइट ऐसे होगा, सारे डिफेंस के उनको मालूम है कि भाई ऐसे ऐसे होगा, स्नोफिल ऐसे होगा, ये होगा, तो सबके आकार मालूम है उनको, यही ट्रेनिंग तो मिली हुई उनको, तो अपने आदमी को तो पहचान लिया। ये बाहर का आदमी आया तो इसको उन्होंने क्या किया, ये देखा कि तो नया आदमी पहली बार आया है, तो इन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनगल्फ कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं मतलब खा जाते हैं। खा जाने के बाद उससे सब नोट कर लिया कि इसका कौन सा आर्टरी है, ये बंदूक लाया है, रिवॉल्वर लाया है, कि बड़ा कोई वो लाया हो, सब कुछ नोट कर लिया। अब ये नोट करने के बाद तुरंत चले गए जो पास की जो हमारी चौकी हुई, हम सरल भाषा में कह रहे हैं, पास की जो भी चौकी हुई, चाहे लिम्फ नोड हो
चाहे बोन मैरो हो, वहां चले गए और बताया कि भैया एक आदमी आया हुआ, उसके पास ये गन है, उसके पास ये है, छोटी वोटी नहीं रखा हुआ उसने, जो है बड़ी मशीन गन रखी हुई है, उसने स्टेन गन रखी हुई, सारा उसकी उसको बता दिया, इनका काम खत्म हो गया। अब वो जो बैठे हुए हैं हमारे टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इसको नोट किया कि अरे अब उनको तैयारी करनी है कि इस एंटीजन के अगेंस्ट में जिसके पास ये आर्टिलरी है, जिसके पास ये बंदूक है, जिसके पास ये तोप है, हमको इन तोप का सामना कैसे करना है। तो उन्होंने पूरी अपनी पूरी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद एक बना दिया अपने जैसा ही एक लिम्फोसाइट बना दिया और उसको कहा कि भैया जाओ और उसको भेज दिया और कहा कि तुमको अथॉरिटी है कि तुम अपनी सेना स्पेशल कमांडोज आप तैयार कर लो जा करके। तो वो टी लिम्फोसाइट, अब जो कमांडो जिसकी ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट ने किया है तो वो तो टी लिम्फोसाइट ही कहा जाएगा, तो वो टी लिम्फोसाइट हो गया। जिसकी बी लिम्फोसाइट ने ट्रेनिंग दिया वो बी लिम्फोसाइट कहा जाएगा क्योंकि अपनी ट्रेनिंग। फिर ये रक्त प्रवाह में आए और इन्होंने यही सब प्लाज्मा, प्लाज्मा आपके पास है और आपके पास अल्फा गामा ग्लोबुलिन है, इन सब की सहायता लिया और गामा ग्लोबुलिन से मिल करके इन लोगों ने क्या क्या उनसे सारे चीजें हुए और एक सेना बना दिया। वो सेना हमारी कहलाती है एंटीबॉडीज, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनाने का काम कर दिया इन्होंने टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ने, और वो जो एंटीबॉडीज बनी उन्होंने जाकर के अपने दुश्मनों, हमारे दुश्मनों का एंटीजन का सफाया करना शुरू किया। अब ये आता है कि ये भाई टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट फंक्शन कैसे करेंगे, तो जो टी लिम्फोसाइट से ट्रेनिंग होके आई है वो जो एंटीबॉडीज होंगे वो करेंगे जो अंदर सेल के अंदर कोई दुश्मन घुसा, दुश्मन कहाँ घुसा हुआ, दुश्मन आया तो दुश्मन पहले बाहर, अगर मान लीजिए कोई हमारा डिफेंस का न मिलता तो कहाँ बैठता वो, उसको खोजना कहाँ, जाना कहाँ है, जाना उसको दो जगह पर है, हम लोगों ने पढ़ा सेल, हम अब बैक थोड़ा सा आ रहे हैं पीछे, जाना कहाँ है उसको एंटीजन को, दो जगह जाना है, कहाँ जाना है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में क्या होता है कोई बताए, पावर हाउस सर। यस, तो पावर हाउस माने वहां बनता है एनर्जी। यस, एनर्जी, एनर्जी बनती है, पावर हाउस माने एनर्जी बनती है, एनर्जी माने भोजन, भोजन माने शक्ति, वही शक्ति तो है। तो यानी समझ लीजिए कि आपके किचन में जो बढ़िया बढ़िया सामान रखा हुआ है, फ्रिज, फ्रिज में जो भी रखा हुआ है उसको खाने की कोशिश करेगा मान लीजिए, और दूसरा आदमी क्या करेगा, अगर कोई दुश्मन हमारे यहाँ आएगा तो क्या करेगा, वो जो गृह स्वामी होगा, जो घर का मुखिया होगा, उसको कब्जे में करेगा, भैया कब्जे में कर लो इसे घर की चाबी, क्योंकि हमारे पास कुछ वो भी तो होगा अलमारी जिसमें हमारा पैसा वैसा रखा हुआ, तो पैसा लेने आएगा ना, तो वो क्या कहेगा, मारी को पकड़ दो। और कभी कभी पहले डाकू लोग ऐसे करते थे कि जो बाहर के मुखिया कहीं घर के बाहर पकड़ लिया, अब दरवाजा नहीं खुल रहा, दरवाजा बड़े बड़े होते थे और डबल डबल वाले होते थे, यानी दोनों में साकल लगी होती थी, तो कभी कभी ये होता था कि अगर उसने समझा कि साकल खुल गई तो मालूम हुआ बाहर अंदर वाली साकल खुली, बाहर वाली तो खुली नहीं, तो वो कभी कभी गृह स्वामी को छोड़ देते थे और वो भाग जाता था। ये गांव में कहानियों में, किस्सों कहानी में बहुत मिलेगा आपको कि दो साकल होती थी, एक बड़ी तो उसने बड़े दरवाजे खोल दिया और दूसरा दरवाजा खुला नहीं, और वो उसने बाय द वे गृह स्वामी को बाहर से पकड़ के लाए थे खेत से पकड़ करके, और वो भाग गया। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो हमारे यहाँ कोई भी डिफेंस वाला आएगा, एंटीजन आएगा, वो हमारे घर के मुखिया, घर का मुखिया कौन है, ब्रेन, सेल में, ब्रेन सेल में तो न्यूक्लियस भाई, देखिए ब्रेन तो हमारे शरीर का है लेकिन सेल में तो सेल ही है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यही तो है, तो सेल में है ना, तो सेल में जाके घुसना चाहेगा, तो सेल में अंदर माइटोकांड्रिया है, सेल में अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मालिक है, प्राण है, ब्रेन है, सब कुछ है, यानी वो मुखिया है, उस मुखिया को कब्जे में कर ले तो उस लिखा हुआ है उसी के आदेश से घर के सारे काम होते हैं, सेल के सारे काम होते हैं,
वही सेल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही कहता है कि जब काम खत्म करना है तो खत्म कर दो, शुरू करना शुरू कर दो, ये उसके फंक्शन में पढ़िए। तो उसको पकड़ अगर कब्जे में कर ले एंटीजन, तो आपने सेल को कब्जे में कर लिया, फिर क्या चिंता, फिर तो अपना मुखिया बैठा हुआ है। तो अब मान लीजिए, अब मान लीजिए हमारा ये सेल है अंदर मुखिया के पास नहीं पहुंच पाए, तो कभी कभी हमारे पास पोरस है ना, ये पोर्स है ना, बाहर के मेम्ब्रेन में जो है पोर्स होते हैं ना छेद, उन छेद से नहीं घुस पाया किन्हीं कारणों से, डिफेंस की वजह से, या देखा कि आदमी है दरवाजा दरबान बैठा हुआ है तो अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं, तो बेचारे बाहर चले, बाहर यही इंतजार करते थे कि कभी तो निकलेगा, कभी तो कोई निकलेगा दरवाजा से, हम भी घुस जाएंगे। तो दो तरह के चोर होते हैं, एक चोर तो अंदर घुस गया, उसने माइटोकांड्रिया को प्रभावित कर लिया या सीधे न्यूक्लियस को प्रभावित किया, और एक बाहर बैठा रहता है इंतजार में कि भैया कभी निकलोगे शाम को तब देख लेंगे, कभी तो निकलोगे, कभी दरवाजा तो खुलेगा। तो दो तरह के हुए दुश्मन, एक दुश्मन सेल के अंदर घुस गया, एक सेल के बाहर ही बैठा हुआ है। तो जो अंदर घुस गया उसको मारने के लिए टी लिम्फोसाइट वाले एंटीबॉडीज आएंगे, और जो बाहर है उसको मारने के लिए बी लिम्फोसाइट वाले एंटीबॉडीज आएंगे। दिस इज द इन शॉर्ट एंड इन अवर टर्म्स इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन एक्टिविटी। ठीक ठीक है मैम, अभी क्लियर हो गया। तो ये मतलब इसको अपनी भाषा में समझिए, यहाँ लैंग्वेज पढ़िए, लेकिन है भाव उसका यही कि ऐसे ही होता है, और वो टी लिम्फोसाइट जो है जाकर के अंदर में घुसेगा, अंदर जो घुस गया उसको मार दिया। ये हमेशा ध्यान रखिए, माइटोकांड्रिया और न्यूक्लियस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बस हमने इसीलिए सरल भाषा में कहा कि मालिक, जब मालिक कह दिया तो मालिक मानिए, मालिक माने वही सब काम करता है, उसकी आज्ञा के बिना कुछ संभव नहीं है। और माइटोकांड्रिया में पावर हाउस ऑफ द सेल मींस उसके पास सारा एटीपी खजाना है, एटीपी माने रुपया, उसको कहा जाता है ना करेंसी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज एटीपी। बस तो एटीपी चुराएगा, हमारे घर में क्या होता है सोना चांदी जेवर, तो उसको चुराने के लिए आएगा, तो बस वही है। तो ये दिस इज रिएक्शन, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाएंगे और आगे फिर मैडम उसको कंटिन्यू करेंगे। दो बस शायद मुझे रहता है, एक ही रह गया है और नहीं ब्लड उसका पूरा है, दो रह गया, एक तो सेल रह गया है और मतलब उसमें, और दूसरा रह गया है थोड़ा सा इसको बता कर थ्रोम्बोसाइट करके, और तब ब्लड का वो आगे वो ब्लड ग्रुप भी है सर अभी तो। हाँ, तो अभी हम ल्यूकोसाइट्स की बीमारियां देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स में ना जी एक बीमारी होती है, अगर कभी कोई भी, इतने सारे ल्यूकोसाइट्स हैं, अगर कभी कोई, तो अभी हम लोग भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, 7:35 हो गया है, 7:35 टाइम इज टाइम, जब से टाइम टाइम तो ओवर हो गया है, कल भी कर सकते हैं, हमारे पास कल टाइम है पूरा, हमारे पास सब जब समय है, हम लोग कर ले कर रहे हैं। ठीक है, कल कर लेंगे, यहीं पर तो यहीं पर हम लोग अभी छोड़ते हैं, स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। कल मैं एक चीज बोलना चाह रही थी, अगर कल किसी को प्लीज पढ़ लेना, कुछ भी क्वेरीज हो।